दलबल निर्धारण कौन करता है और महाराष्ट्र से लेकर ये सारी समस्या है क्या? एंटी डिफेक्शन, और आप देखेंगे अपने मेंस एग्जाम में कभी आप देख लीजिएगा, मेंस एग्जाम में ये नहीं पूछा गया है कि दल बदल का प्रावधान क्या है, दल बदल कौन निर्धारित करता है। इन फॉर्म में जब क्वेश्चन पेपर मेंस के भी आप देखेंगे, हाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सीधा सवाल आया है कि दल बदल का मतलब क्या है, एक बार तो पिछले साल ही सवाल पूछा गया है, तो वहाँ एक बेसिक जानकारी आपको चाहिए। ये बेसिक जानकारी आपको आंसर में लिखने में बहुत काम नहीं आएगी, क्योंकि आंसर में ये पूछा गया है, अब जीएस की बात में कर रहा हूँ, पोल साइंस में तो दल बदल के बारे में नहीं पूछा गया, तो जीएस में तो ये पूछा गया है कि दल बदल विरोधी अधिनियम जो किसी और उद्देश्य के लिए आया था उसने संसदीय शासन को ही प्रभावित कर दिया। कैसा कैसा सवाल है, अप्लाइड किस्म का। तो प्रश्न जब भी आप देखते हैं तो एक बात पता चलती है कि एग्जामिनर आपसे दल बदल के प्रावधान क्या है, कौन इसको डिस्क्वालीफाई करेगा, एग्जामिनर उस पर नहीं जाता, वो मुद्दों पर जाएगा। तो हम बार बार जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं पढ़ना सीखते हैं कैसे मुद्दे देखें, तो भाई दल बदल की सीधी सी बात है, जब संसद में दल बदल की बात आई इसका मतलब है कि अब कोई सांसद है तो हमारे यहाँ सामान्यतः जो दल चुनाव लड़ता है दल का एक घोषणा पत्र होता है, मैंडेट होता है। जब कोई पार्टी हमारे चुनाव लड़ती है तो पार्टी का मैंडेट होता है, और बात ध्यान में रखने की पार्टी का हर व्यक्ति सांसद या विधायक नहीं बन सकता, लेकिन किसी पार्टी कोई व्यक्ति अगर वो सांसद या विधायक बन गया, एमपी या एमएलए बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया, अगर किसी पार्टी का, पार्टी एक्स हो पार्टी वाई हो, पार्टी एक्स का कोई व्यक्ति निर्वाचित होकर एमपी एमएलए बन गया या मनोनीत होकर एमपी एमएलए बन गया, तो सवाल यह भी निर्वाचित होकर भी कोई व्यक्ति एमपी एमएलए हो सकता है भाई, इलेक्शन के द्वारा भी कोई व्यक्ति एमपी एमएलए हो सकता है, और दूसरा कैसे होता है, मनोनयन के द्वारा, नॉमिनेशन को भी द्वारा, तो हम इलेक्शन के द्वारा भी एमपी एमएलए बन सकते हैं और नॉमिनेशन के द्वारा भी एमपी एमएलए बन सकते हैं। और हमारे यहाँ इलेक्शन भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे यहाँ दो प्रकार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक तो है जो पार्टी से आते हैं, ज़्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी से आते हैं, कुछ ऐसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बड़े बहादुर किस्म के लोग जो निर्दलीय आते हैं। निर्वाचित में भी दो किस्म के लोग होते हैं, निर्वाचित सांसदों विधायकों में दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो निर्वाचित जो एमपी एमएलए है उसमें भी दो किस्म के लोग हैं, एक तो है जो किसी पार्टी के मेंबर हैं जो दल के सदस्य हैं, और दूसरे हैं जो कि निर्दलीय है। तो दल तो हमेशा जब दल चुनाव लड़ने जाता है तो बाकायदा वो अपना घोषणा पत्र लेके जाएगा, मैंडेट लेके जाएगा, तो माना जाता है कि किसी व्यक्ति ने उस दल को वोट किया तो उसके मैंडेट पे वोट किया, इसका मतलब उसके जनादेश पे वोट किया। अगर किसी व्यक्ति ने दल पर वोट किया इसका मतलब उसके जनादेश पर वोट किया, उसके मैंडेट को उसने सपोर्ट कर दिया। अब सवाल ये है कि मान लीजिए कोई एम पी एम एल ए है, बाद में कोई बात दल कहे वो न माने, भाई अगर कोई सांसद या विधायक बना हुआ है तो अभी विवाद का विषय हो सकता है, सांसद विधायक कहेगा भाई हम आज़ादी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सांसद विधायकों को आप देखेंगे 105 में, संविधान के 105 में हमारे यहाँ, और 194 में विधायकों को विशेष अधिकार दिया गया है, यानी सांसद विधायक सदन में कोई बात बोल सकता है जो हम आप नहीं बोल सकते। भाई हम आप बोलेंगे तो मानहानि का मामला आ जाएगा, न्यायालय की अवमानना का मामला आ जाएगा, उसमें देशद्रोह की बात आ जाएगी, लेकिन कोई सांसद विधायक सदन के समक्ष कोई बात करता है उसके ऊपर इस किस्म के मामले नहीं आते, क्योंकि जब एक सांसद बोलता है तो 20 लाख जनता बोलती है ये माना जाता है, एक विधायक बोलता है कम से कम 4 से 5 लाख जनता की आवाज़ वो रख रहा है, उसे फ्री बोलने दिया जाए ऐसा हमारे यहाँ संविधान में दिया गया है। अब सवाल है कि एक सांसद निर्वाचित हो रहा है पार्टी से, विवाद यहीं पर आ रहा है, निर्वाचित हो रहा है पार्टी से, लेकिन निर्वाचित होने के बाद वो सोच रहा है कि पार्टी की बात न माने। अब सवाल यह है कि सांसद का पार्टी से असहमत क्यों हो सकती है, विधायक की पार्टी से असहमत क्यों हो सकती है। पहला सैद्धांतिक बेसहमतियाँ होती है, इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। कई बार देखा गया शत्रुघ्न सिन्हा पहले बीजेपी में थे पार्टी छोड़ दी, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, तो कई बार वैचारिक या सैद्धांतिक मतभेद हो जाते हैं, इस बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन सैद्धांतिक मतभेद होते हैं या कई बार ये भी कर सकते हैं कि नहीं विधायक इस बात से भी सांसद नाराज होता है उसे मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया गया,
उसे कोई बड़ा पद नहीं मिला, इस कारण भी कई बार वो पार्टी के खिलाफ जाता है। दल बदल प्रावधान ने क्या कर दिया है, कोई भी निर्वाचित सांसद अब पार्टी के खिलाफ बहुत सीमित रूप में ही जा पाएगा। इसका मतलब है अगर किसी सांसद ने पार्टी के विरोध में कोई काम किया, याद रखिए पार्टी के विरोध में काम करने का मतलब जानते हैं क्या होगा, फिर वो सदन की सदस्यता से भी जाएगा। अगर पार्टी के विरोध में आप काम कर रहे हैं, जबकि पार्टी अलग है और सांसद होना अलग है, भाई दल तो अलग है, दल में कई लोग होते हैं जो बिना सांसद के लिए हुए हैं। अब दल बदल कानून ने क्या कर दिया कि मान लीजिए दल बदल कानून ने क्या कहा कि दल बदल कानून ने पहली बार बहुत स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई एमपी एमएलए है और वो किसी पार्टी का किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, एमपी एमएलए भी है और पार्टी का मेंबर है, अगर वो सदन के भीतर दल के निर्देश का पालन नहीं करता, सदन के भीतर दल के निर्देश के खिलाफ बोलता है, निर्देश का मतलब है व्हिप, दल के निर्देश के विरुद्ध कार्य करता है, तो आप याद रखिए तो उसके संसद या विधायक की सदस्यता समाप्त हो सकती है। 52nd अमेंडमेंट में जो सीधी सी बात की गई है, अगर कोई सांसद या विधायक दल के निर्देश के विरुद्ध कार्य करता है तो दल का निर्देश कैसे दिया जाता है, व्हिप के द्वारा। ये व्हिप कौन है, ये व्हिप कौन है, सचेतक, व्हिप कहिए इसको, क्या है, सचेतक। जो व्हिप है वो क्या है, सचेतक है, और सचेतक है क्या, एक सांसद या विधायक है। सचेतक कौन है, एक सांसद है या एक विधायक है जो सदन में अपने दल के लोगों को निर्देश देता रहता है कि किस समय आपको क्या एक्शन लेना है। व्हिप का प्रावधान न तो हमारे यहाँ लोकसभा नियमों में है, न विधानसभा नियमों में है, न संविधान में है, परंपरा के परिणाम स्वरूप व्हिप का प्रावधान आ गया। व्हिप का मतलब है कि निर्देश भी, लेकिन निर्देश देने वाला व्यक्ति भी, व्हिप में दोनों बातें आती है। इसका मतलब है कि बीजेपी का जो व्हिप होगा संसदीय कार्य मंत्री होगा, कांग्रेस के व्हिप का अलग सांसद होगा। यानी व्हिप का मूल काम क्या होता है, ये क्लास के मॉनिटर जैसा है। इस क्लास का मॉनिटर क्या करता है, अगर बच्चे ने अच्छा कपड़ा पहन के नहीं आया तो मैम को शिकायत कर, मैम इसके नाखून बढ़े हुए, स्कूल में ही सब होता है, मैम इसने अच्छा कपड़ा नहीं पहना है, मैम ये मोबाइल ला कर रखा हुआ है। इसका मतलब है कि बाकायदा वो मॉनिटर कौन है जो मैम के व्हिप को कहाँ लगाता है, क्लासरूम में। वैसे ही व्हिप क्या एक प्रकार का निर्देश से सचेतक है जो बाकायदा फ्लोर मैनेजमेंट के समय काम करता है। अब जैसे मान लीजिए किसी विधेयक पर मतदान है, किसी संविधान संशोधन पर मतदान है, तो हर पार्टी अपना व्हिप जारी करेगी कि हमारे सांसदों को किस लाइन पर मतदान करना है। अगर मान लीजिए किसी सांसद ने पार्टी लाइन के खिलाफ मतदान नहीं किया, इसका मतलब है उसकी सदस्यता संसद या विधायक की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब ये बड़ा आ गया मामला, इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ तो इसका मतलब अगर पार्टी की बात आप नहीं मानेंगे तो फिर तो आप सांसद या विधायक रहे ही नहीं। तो सवाल ये है कि कई बार हो सकता है कि सांसद को अपनी राय रखनी हो, नहीं रख सकता। इसलिए पहली नज़र में देखने पर ऐसा लगता है कि दल बदल का पूरा कानून सांसदों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनता है। दल बदल के कानून का मतलब है कि संगठन का महत्व ज़्यादा है, सांसद का महत्व कम है, विधायक का महत्व कम है। अब कहेंगे सर ये बताओ, ये तो दल बदल का प्रावधान तो फिर एक तरीके से संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। अब भाई हमेशा हर तीसरे दिन दल बदल होगा तो सरकार गिरेगी, तो उस दूसरी बुराई और उत्पन्न हो जाएगी। यानी दो बुराइयाँ हमें चयन करनी है, एक तो सांसदों को न बोलने दिया जाए और एक हर तीसरे महीने सरकार बदलती रहे। तो लोगों ने कहा भैया सांसदों को न बोलने दिया जाए ज़्यादा अच्छा विकल्प है, बजाय हर तीसरे महीने सरकार बदलती रहे। अब समस्या यहाँ पे आती है कि जब ये व्हिप दल के सदन के भीतर काम करने के लिए निर्देश लागू होगा तो सदन तो हमेशा नहीं चलता। तो मान लीजिए कोई पार्टी का सांसद है, पार्टी का विधायक है, और ये बड़ा विवाद हुआ हिमाचल में भी, लेटेस्ट विवाद हुआ हिमाचल में, विवाद ये हुआ कि भाई जो हिमाचल में जो विधायक थे, हिमाचल में विधायकों ने स्वाभाविक रूप में मतदान दिया राज्यसभा के सांसद के लिए, तो क्या राज्यसभा के मतदान को व्हिप के अंतर्गत लाया जाए या ना लाया जाए।
भाई ये बताइए, व्हिप कहाँ होगा? विधानसभा के भीतर की कार्यवाही के लिए होगा। तो क्या राज्यसभा के लिए मतदान देना विधानसभा के भीतर वाली कार्यवाही को व्यक्त करता है कि नहीं व्यक्त करता? अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। पहले उच्चतम न्यायालय ने ये कह दिया है, अभी अगर अगर यहाँ पे आप देखेंगे हिमाचल का मामला, ये बात उच्चतम न्यायालय के सामने आई कि भाई आप कह रहे हैं कि दल के भीतर, ये दल के भीतर किसी कार्यवाही के लिए किसी को दल बदल के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब मान लीजिए जिस व्यक्ति ने सदन के भीतर कार्यवाही नहीं की, वो भाई सदन तो कुल मिला के साल में 100 दिन चलेगा, इसका मतलब 265 दिन में दल को गाली दे सकता हूँ। सदन के भीतर कोई विधेयक आ गया तब मैं दल का सपोर्ट करूंगा, लेकिन जैसे सदन खत्म तो मैं दल गाली दूंगा। तो सवाल है, गाली देने से भी क्या हमारी सदस्यता रद्द हो जाएगी क्या? तो सवाल है, कैसे सदन की सदस्यता रद्द होगी? अब इसमें अंतिम निर्णय तो स्पीकर करता है, इसलिए आप देखेंगे विवाद कहाँ आया, इसलिए बाद में ये बात कहा गया कि दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर भी, दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर भी सांसद या विधायकों की, दल विरोधी गतिविधियों में अगर कोई व्यक्ति शामिल है तो भी उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। केवल सदन के भीतर निर्देश नहीं माना, इसी बात पे सदस्यता रद्द नहीं होगी। दल विरोधी शरद यादव थे, शरद यादव जिस समय डिस्क्वालीफाई किया गया जनता दल यूनाइटेड से, उस समय सदन का सत्र चल ही नहीं रहा था, क्योंकि अगर सदन के भीतर व्हिप के कारण किसी को आप डिस्क्वालीफाई करेंगे तो सदन तो साल में 100 ही दिन चलता है, 265 दिन वो विधायक या सांसद फ्री है अपने मन से काम करने के लिए। सदन के बाहर फ्री है, सदन के अंदर व्हिप से बंधा हुआ है, व्हिप तो सदन के भीतर लागू होगा। ये बात स्पष्ट है कि नहीं? इसलिए बाद में लोगों ने इसका विस्तार कर दिया, नहीं 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 नहीं, नहीं सदन के भीतर तो व्हिप चलेगा ही, बाहर व्हिप भले न चले फिर भी बाहर कोई व्यक्ति पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होगा उसे बाकायदा स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर देगा। हिमाचल में यही तर्क दिया गया, शरद यादव को इसी कारण डिस्क्वालीफाई किया गया था, और उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन थोड़ी किया था, उस समय सेशन चल ही नहीं रहा था। जब सत्र ही नहीं चल रहा था, पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने का सवाल पैदा नहीं होता। यहाँ पर भी स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर देता है, इसलिए इसमें विवाद भी उत्पन्न होता है। दूसरी बात, तो क्या अब अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव का मतदान हो रहा है, अब राष्ट्रपति के चुनाव में किसी पार्टी ने व्हिप जारी किया, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एमपी एमएलए का व्हिप लागू होगा या नहीं लागू होगा? अब सवाल यह है, उच्चतम न्यायालय ने यह बात कह रखी है कि नहीं, राष्ट्रपति के जो चुनाव का मामला है उस पर तो व्हिप लागू होता ही नहीं, क्योंकि वो तो चुनाव चिन्ह से चुनाव होता ही नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव तो बगैर होता ही नहीं। अब सवाल है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के चुनाव नाम से होता है, सिंबल से नहीं होता। लोग कहते हैं भाई संवैधानिक चुनाव, इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होगा, इसमें दल बदल नहीं लागू होगा, लेकिन क्या राज्यसभा के निर्वाचन में, जब राज्यसभा के निर्वाचन में कोई एमएलए, और राज्यसभा के निर्वाचन में कोई एमएलए पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहा है, जैसा कि हिमाचल में हुआ, राज्यसभा के निर्वाचन में कोई एमएलए पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहा है, तो क्या उसके ऊपर व्हिप लागू होता है? क्योंकि क्या राज्यसभा का निर्वाचन सदन के अंदर की गतिविधि है या नहीं है? तो ये बात 2006 में उच्चतम न्यायालय ने कुलदीप नैयर केस में कह रखी है, ये सदन के भीतर की गतिविधि नहीं है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि 2006 में कुलदीप नैयर वाद में उच्चतम न्यायालय ने कह रखा है ये सदन के भीतर वाली गतिविधि नहीं है, इसे यहाँ पे दल बदल कानून लागू नहीं होगा। यही मामला हिमाचल का था, इसलिए आप देखेंगे हिमाचल के सारे विधायक कहाँ गए उच्चतम न्यायालय। लेकिन अब सवाल है कि दल बदल हुआ है नहीं हुआ, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? स्पीकर। अभी स्पीकर क्या तर्क देगा? आप लोग पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हो, और पार्टी विरोधी गतिविधि में कहीं भी शामिल हो गए तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यसभा में होने वाला चुनाव, उस समय विधायक सदन के भीतर काम नहीं कर रहा है, वो सदन के भीतर वाली गतिविधि नहीं है, वो तो सदन के भीतर से मतलब ही नहीं है। लेकिन इसी बात को उच्चतम न्यायालय ने अभी अपने ही निर्णय में काट दिया। सीता सोरेन का मामला, अभी 10-15 दिन पहले ही मामला निर्णय हुआ। सीता सोरेन के मामले में यही मामला था कि उन्होंने घूस दिया था,
यानी राज्यसभा में निर्वाचन के बदले, वोट के बदले उन्होंने नोट लिया था। उच्चतम न्यायालय ने यहाँ ये कह दिया कि राज्यसभा के निर्वाचन में भी भागीदारी विधानसभा की कार्यवाही का भाग माना जाएगा। कमाल की बात है। फिर हम आपको रिपीट कर दें, मामला थोड़ा सा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कैसी बात उलझा दी। सीतार सोरेन वाले मामले में कहा कि अगर कोई विधायक सांसद के चुनाव में अगर भाग लेता है तो ये भी सदन की गतिविधि मानी जाएगी, जबकि कुलदीप नैयर केस में क्या कहा था, सदन गतिविधि नहीं मानी जाएगी। यहाँ उच्चतम न्यायालय का भी अपने आप में विरोधाभासी अप्रोच है। तो जब उच्चतम न्यायालय ने यह कह दिया कि कोई सांसद या विधायक राज्यसभा के चुनाव में भाग ले रहा है और वो सदन की गतिविधि है, उसको फिर तो कुलदीप नैयर वाले इस केस को गलत सिद्ध करना चाहिए कि कोई भी विधायक अगर हमारे यहाँ वोट दे देता है पार्टी लाइन के खिलाफ राज्यसभा में, वो डिस्क्वालीफाई होगा। और बाकायदा हिमाचल में तो विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर ही दिया गया, लेकिन डिस्क्वालीफाई करने का कारण क्या है, स्पीकर ने बताया, इन लोगों ने बाकायदा बजट सत्र के समय पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया, राज्यसभा की बात नहीं कही, क्योंकि हिमाचल घटना के बाद ही सीता सोरेन वाला मामला आया। इसका सीधा मतलब है कितना भी कानून आप बना दो, अगर हम कानून तोड़ना चाहे तो उसके तरीके रहेंगे। तो पहला विवाद ये उत्पन्न होता है कि आखिर में दल बदल कानून हमने बना दिया, तो दल बदल क्या है, डिबेट का पार्ट बन गया। 52nd अमेंडमेंट में लिखा गया है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाई 10वीं अनुसूची में क्या लिखा गया, 10वीं अनुसूची में 10 शेड्यूल में दल बदल को परिभाषित किया गया। तो 10वीं अनुसूची में लिख दिया गया कि दल बदल का मतलब है पार्टी के व्हिप को नहीं मानना दल बदल है, और भी इसके मतलब बताए गए। बाद में क्या मामला मान लिया गया, नहीं भाई पार्टी के व्हिप नहीं, दल बदल विरोधी गतिविधि में ये भी अपने आप में दल बदल है। लेकिन जब पीटी में ऑप्शन दिया जाएगा तो वही लिखा जाएगा जो 52nd अमेंडमेंट में 10वीं सूची में लिखा है। ये मेंस में तो विश्लेषण हो सकता है, पीटी का सवाल नहीं बनेगा भाई। पीटी में सीधा जो बात लिखी गई 10 शेड्यूल में वही मामला बनेगा। इसे यहाँ फिर उलझता है मामला, विवाद के सारे कारण यही है। और आप देखिए, जब विवाद करना चाहें तो एक एक बात पर विवाद पैदा कर सकते हैं। विवाद जब हम पैदा करना चाहें तो विवाद तो हर बात पर हो जाएगी, लेकिन क्या दल बदल यही होगा, और भी इसके प्रावधान है। पहला दल बदल का मतलब क्या है, पार्टी के व्हिप को न मानना। तो पार्टी के व्हिप के न मानने पर विवाद कहाँ है ये दोनों मामलों में, और मामला तो ये कहा गया है कि स्पीकर, 10वीं अनुसूची में लिखा गया है दल बदल का अंतिम निर्णय कौन करेगा, स्पीकर। स्पीकर के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, ये 10वीं अनुसूची में लिखा है। वो क्या रहा है, क्यों ऐसा हुआ, आगे उस कारण आपको बता देंगे कि तो होलोहान केस, उसका कारण आपको बता देंगे ऐसा क्यों फिर चैलेंज किया क्यों जा रहा है। लेकिन दल बदल की पहले पूरी बात बता दें, 10वीं सूची में दल बदल की पूरी बात क्या है, दसवीं सूची में जो दल बदल की पूरी बात लिखी गई है, पहला, यदि कोई दल का एमपी या एमएलए दल के निर्देश का पालन नहीं करता, दल के निर्देश का पालन नहीं करता, व्हिप का उल्लंघन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई एमपी या एमएलए अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र, बात ध्यान सुनने की है, कोई दल का एमपी या एमएलए राजनीतिक दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे, बात ध्यान देने की है, यहाँ कोई कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी का सांसद या विधायक किसकी मेंबरशिप छोड़ रहा है, पार्टी की। लेकिन पार्टी की मेंबरशिप छोड़ रहा है इसका मतलब है एमपी एमएलए तो अपने आप में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो। अगर किसी एमपी एमएलए ने दल की सदस्यता छोड़ दी, बात ध्यान रखने की है, उसकी संसदीय विधायकी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि भाई दल के नाम पर चुनाव लड़ा हुआ है।
तो अगर अपने दल के बाहर गए तो एमपी एमएलए भी नहीं रहोगे, ये भी डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। दल बदल इसको ही माना जाएगा कि एक तो निर्देश के खिलाफ, निर्देश आप नहीं मान रहे पहला, दूसरा अगर आपने पार्टी छोड़ दी दूसरा। हाँ, अब आप कहेंगे सर ही बताओ जो सीधे, अगर कोई कोई सांसद विधायक है सीधे वो रिजाइन कर दे, दल बदल का मामला ही नहीं है, संसदीय या विधायक की सीधे रिजाइन कर दे, पार्टी से नहीं है। आप ये देखिए भाई, कोई भी सांसद या विधायक है जो दल का मेंबर है उसकी दो हैसियत है, एक तो पार्टी का व्यक्ति है कि विधायक या सांसद है, यहाँ किसलिए त्याग पत्र दे रहा है दल से, उसका मतलब क्या माना जाएगा, संसदीय सदस्यता भी गई माना जाएगा पहला। तीसरा, निर्दलीय का क्या किया जाए, कोई भी निर्दलीय सांसद या विधायक, कोई भी निर्दलीय एमपी या एमएलए सांसद या विधायक अगर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता स्वीकार कर लेता है तो डिस्क्वालीफाई। कोई निर्दलीय सांसद या विधायक किसी राजनीतिक दल की सदस्यता स्वीकार कर लेता है तो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई। इसका मतलब निर्दलीय हमेशा निर्दलीय रहेगा, जो निरंकारी है वो निरंकारी ही रहेगा। इसका कारण यह है कि अगर वो किसी पार्टी में जाएगा तो इधर कोलाहल मचा सकता है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, निर्दलीय मंत्री बन सकता है, निर्दलीय मंत्री बन सकता है, पार्टी में नहीं जा सकता। जो निर्दलीय है वो हमेशा के लिए ही निर्दलीय रहेगा, उसे किसी विचारधारा में शामिल नहीं किया जाएगा। भाई निर्दलीय हो तो निर्दलीय रहो, क्यों किसी भी पार्टी में इधर उधर जाके खुराफात मचा देगा भाई कोई निर्दलीय। इसलिए आप देखते हैं निर्दलीय के ऊपर सबकी निगाह रहती है, तो निर्दलीय से समर्थन मांगते हैं। हिमाचल में भी दो तीन निर्दलीय है इधर उधर अपना मोल भाव कर रहे हैं, तो निर्दलीय गवर्नमेंट में जा सकते हैं पार्टी में नहीं जा सकते। और तीसरा, जो मनोनीत है, तो दसवें सूची में दल बदल का मतलब क्या लिखा गया है, पहला हो गया पार्टी के लिए, दूसरा क्या हो गया, तीसरा और चौथा, और चौथा है नॉमिनेटेड के लिए, मनोनीत सदस्य के लिए नॉमिनेटेड के लिए वह 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं लेगा। जो मनोनीत एमपी एमएलए है, नॉमिनेटेड है एमपी एमएलए, ये बात याद रखिए। किसी अब कह मैं 6 महीने के बाद क्यों, मैं किसी को भी कोई सांसद या विधायक क्यों बनाया जाता है, बिना पार्टी को इसका मनोनीत हो जाएगा, इतना बड़ा पद है, यहाँ सांसद विधायक बनने के लिए मारामारी कर रहे हैं। तो अब सुधा मूर्ति को बीजेपी ने तो नॉमिनेट किया है, तो ये क्या करेंगे, 6 महीने के बाद कोई मनोनीत सांसद या विधायक 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ले सकता। राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ले सकता। इन 6 महीने के भीतर ले सकता है, क्योंकि 6 महीने के बाद वो मान लिया जाएगा कि जिस पार्टी ने उसे नॉमिनेट किया है उसका मेंबर है वो, ऐसा तर्क है। 6 महीने के बाद का मतलब जिस पार्टी ने नॉमिनेट किया उसका मेंबर हो गया। इसीलिए स्वाभाविक तौर पर दल बदल का कानून ये एक प्रावधान किया गया कि दल बदल के मतलब क्या है। लेकिन फिर आपको बता दें, अब अगर प्रीलिम्स में देखें इतनी बात सही है, इसी पर कई बार क्या होता है प्रीलिम्स और मेंस के पर, जो मैंने पिछली बात बताया विवाद है वो, पिछला जो हमने बताया कि भाई क्या है पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होना, राज्यसभा के चुनाव भागीदारी करना, राष्ट्रपति के चुनाव भागीदारी करना, ये सब क्या है डिस्प्यूट है, मुद्दे हैं, पीटी में उस पर ध्यान नहीं देना आपको। कई बार पीटी में बड़ी बच्चे गलतियां करते हैं, उनको सारा डिस्प्यूट पता है, बस बेसिक नहीं पता है। तो पीटी में एक बार पूछा भी गया है, ऑप्शन में पूछा गया है कि दल बदल क्या है, जो दसवें सूची में लिखा गया है वो बात पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एज इट इज लिखी गई है। लेकिन दल बदल का अपवाद भी कुछ है क्या, तो आगे मुद्दे मतलब बताने से पहले आपको ये बता दें, फिर हम मुद्दे की तलाश करें कि दल बदल के अपवाद क्या है। अपवाद ही बता दिया गया, दसवें अनुसूची में क्या बताया गया, ये स्पष्ट है दल बदल क्या है, एक्सेप्शन क्या है। तो आप हमेशा
जब विवाद की बात करेंगे यहाँ पे आएंगे, तो ये बात बहुत पीटी मेंस में क्लियर कट रखी है। जब आप विवाद की बात करेंगे, और अभी तो हमें तमाम विवाद यहाँ यहाँ हमने विवाद विवाद का मुद्दा उठाया है कि आखिर में व्हिप सदन के भीतर लागू होगा, यहाँ हमने कमी की बात कर दी तो सदन के बाहर क्या होगा, कोई भी काम कर सकता है, फिर राष्ट्रपति चुनाव में क्या होगा, यहाँ न्यायालय के दो निर्णय एक दूसरे काट रहे हैं, इसका मतलब तो ये माना जाएगा कब राज्यसभा के चुनाव में भी दल बदल लागू होगा। आप जरा सोच के देखिए, अगर ये बेसिक मामला है तो दल बदल के अपवाद भी आपको बता दें जो 10वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के अपवाद है, एक्सेप्शन भी लिखे गए हैं, कुछ अपवाद बना दिया गया। और आप याद रखिएगा, अपवाद किसके लिए किया गया, स्पीकर, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति चेयरपर्सन, राज्यसभा का उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष। जहां विधान परिषद है तो भाई एक ही कानून तो राज्यों के लिए भी लागू होता है, एक ही कानून राज्यों के लिए लागू होता है तो स्वाभाविक रूप में इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इन पर यानी पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। इसका मतलब है ये दल का निर्देश मानने के लिए बाध्य नहीं है, इन पे दल का निर्देश नहीं चलेगा। तो भाई अब लॉजिक की बात है, इन पे दल का निर्देश क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि संविधान क्या उम्मीद करता है, तटस्थ होंगे, निष्पक्ष होंगे। इसलिए आप देखेंगे सांसद को, हमारे यहाँ सांसद हर मामले पर वोट देता है, स्पीकर वोट नहीं करता। अगर आप वोट करेंगे इसका मतलब या तो पक्ष में है या विपक्ष में है। भाई वोट के में तो आप स्टैंड अप ले लेंगे, यहाँ पे क्या है, जो स्पीकर होता है वो निर्णायक वोट करता है। जब कभी टाई हो जाए, आज तक लोकसभा में स्पीकर को वोट करने का मौका कभी मिला नहीं। केरल में सबसे ज्यादा बार स्पीकर ने कास्टिंग वोट किया, जिसको जिनको जिनका नाम था एसी जोस, तो वैसे ही लोगों को कह देते हैं ऑलवेज कास्टिंग जोस, 9 से 10 बार उन्हें कास्टिंग वोट किया, इतिहास है अपने आप में केरला के स्पीकर ने, बाकी कभी हमारे लोकसभा स्पीकर को वोट करने का मौका मिला ही नहीं। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ दल बदल की नोटिस दे दी गई थी, पॉलिटिक्स है, कोई इसका सब्सटेंस नहीं है। पॉलिटिकल बातें अलग होती हैं, व्यवहारिक सिद्धांतिक बातें अलग होती हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स बड़ी पॉलिटिक्स तो व्यवहारिक गतिविधि है। इनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता, क्योंकि भाई ये तो तटस्थ और निष्पक्ष लोग हैं। इसलिए आपको हम याद दिला दें, सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे और कम्युनिस्ट पार्टी ने यूपीए से अपना समर्थन वापस ले लिया, और कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमनाथ से कहा कि सोमनाथ जी अब आप पार्टी छोड़िए। सोमनाथ ने कहा नहीं, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, ये ब्रिटेन की कहावत है। ब्रिटेन में तो देखिए, ब्रिटेन में स्पीकर का पद का इतना ज़्यादा महत्व है कि अगर वहाँ को एक बार स्पीकर हो जाए तो वहाँ तो दोबारा अगर चुनाव के मैदान में जाए, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर का मतलब है कि हमारे ओम बिरला स्पीकर हैं। ओम बिरला किस संसदीय क्षेत्र से फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोटा से। अगर ब्रिटेन होता तो कोटा में उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं आता, वही स्पीकर है। हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं अपनाया गया, क्योंकि पता चला हमारे यहाँ ये सिस्टम क्यों अपनाया नहीं जा सकता, हमारे यहाँ 10 साल के बाद सीटी रिजर्व भी हो सकती है, ब्रिटेन में तो ऐसा प्रावधान है नहीं। और हमारे हमारे एक ही बार का स्पीकर हमेशा के स्पीकर बन जाए, स्पीकर मान लीजिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग ही कर दे, भाई हमारे यहाँ तो किसी को सर, अभी लोकतंत्र थोड़ा कमजोर है, नवजात है, लोगों के स्वभाव में डेमोक्रेसी नहीं है, शासन में लोकतंत्र है। तो मान ली कोई एक पद बहुत लंबे समय तक पा जाए, शक्तियों का दुरुपयोग कर दे, तो हमने स्पीकर की तटस्थता निष्पक्षता का ध्यान तो दिया, ब्रिटेन के सिस्टम को नहीं माना। इसलिए सोमनाथ चटर्जी ने कहा नहीं आप कुछ भी कर दो, तो पार्टी ने कहा आपको पार्टी से निकाला जाता है, उनका निकाल दो, उनका अब मैं पार्टी का आदमी नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने कभी चुनाव भी नहीं लड़ा, सुमित्रा महाजन। देखिए स्पीकर के लिए क्या होना चाहिए, न तो उसे स्पीकर के बाद कोई पद लेना नहीं चाहिए। इसलिए आप देखेंगे स्पीकर किसी पॉलिटिकल पार्टी गतिविधि में नहीं आता। स्पीकर का तटस्थ रहना जरूरी क्यों है, आप याद रखिए, अगर स्पीकर तटस्थ नहीं रहेगा तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, स्पीकर लाने नहीं देगा।
विपक्ष निंदा प्रस्ताव लाएगा, सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, विपक्ष सरकार की जितनी खामियां गिनाना चाहेगा स्पीकर उसको लाने ही नहीं देगा। स्पीकर का अंपायर रहना बहुत जरूरी है, इसे आप याद रखिए, अंपायर तटस्थ नहीं है। और विपक्षी टीम ने अपील कर दी कि बॉल खराब हो गई, अंपायर ने कहा नहीं इसी बॉल से खेलो, बॉल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो टीम को हराना चाहता है। इस स्पीकर का तटस्थ निष्पक्ष रहना बड़ा जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहा हमेशा। तो सुमित्रा महाजन ने क्या किया, स्पीकर के बनने के बाद दोबारा चुनाव लड़ी ही नहीं, आइडियल कंडीशन ही होनी चाहिए। हमारे तो स्पीकर के बनने के बाद लोग मंत्री भी बाद में हुए, और स्पीकर स्पीकर का सदन गिराने में बनाने में बड़ी भूमिका भी महाराष्ट्र में आ जाएंगे। सदन अगर सरकार गिर रही है बढ़ रही है उसमें स्पीकर की बड़ी भूमिका है। स्पीकर इसलिए उसके दायरे में नहीं आएगा, पहला। दूसरा उसका अपवाद क्या है, बी, अगर किसी राजनीतिक दल के सदस्य ने त्याग पत्र दे दिया तो दल बदल, पार्टी ने निकाल दिया कोई बात नहीं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, पार्टी निकाले। अगर किसी एमपी एमएलए को, क्योंकि तो बार बार हम एमपी एमएलए के नाम ऐसे लिख रहे हैं कि दल बदल का प्रावधान गैर निर्वाचित लोगों के लिए होता ही नहीं, गैर निर्वाचित लोग किसी पार्टी में जाए, अगर किसी एमपी एमएलए को राजनीतिक दल ने दल से निष्कासित कर दिया, दल से एक्सपेल कर दिया, दल से बाहर कर दिया, ये डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, भाई पार्टी ने हटाया है, वो थोड़े हटाया। और कई बार ऐसा जानबूझ के सांसद विधायक करते हैं कि पार्टी अध्यक्ष को गाली देना शुरू कर देते हैं, अब पार्टी अध्यक्ष को भी लगता है यार ये बड़ा बेकार काम कर रहा है, पार्टी से हटा दिया। अब ऐसे व्यक्ति को बैठाया कहाँ जाए, उसको अनअटैच्ड मेंबर के रूप में सदन बैठाया जाता है, तो सदन में बैठने की व्यवस्था स्पीकर करता है, कहाँ कोई बैठेगा। पहले वो पार्टी का रहा, वो निर्दलीय है नहीं क्योंकि पार्टी ने बाहर किया है, न तो निर्दलीय रहा, न वो दल का रहा, कहाँ बैठे, न वो नॉमिनेटेड रहा, तो उसको खोपचे में कहीं जगह दी जाती है कि भाई बैठ लो वहाँ पे। और कई बार तो जो जिस दल से जाता है, जिस दो दल उसको हटाता है, कई बार तो लोग पीठ पाट भी देते हैं, जो असंसदीय व्यवहार है। ये इसका मतलब है सांसद विधायक के लिए सबसे अच्छी कंडीशन क्या है, वो खुद त्याग पत्र दे या दल उसे निकाले। लेकिन आजकल देखिए, जैसे हमारे यहाँ था, अभी दल की बड़ी बात है, मुलायम सिंह यादव खिलाफ अमर सिंह जयाप्रदा ने बड़ा बोलना शुरू कर दिया, समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन आजकल तो क्या होता है, पार्टी से निकालता नहीं, सीधे एमपी एमएलए से निष्कासित करवाता है। लेकिन उसके लिए स्पीकर आपका अपना होना चाहिए, अगर स्पीकर आपका अपना नहीं है तो आप नहीं कुछ कम कर पाएंगे। इसलिए कांग्रेस हिमाचल में क्या था, कांग्रेस का स्पीकर था ना, उसने एक घंटे में सातों को हटा दिया और वो सब सारे विधायक गए। विधायक ने कहा हमसे पूछा तो कि हमने वोट क्यों दिया, पूछा भी नहीं, नोटिस भी नहीं दिया, ऐसे एक्सपर्ट होते हैं। स्पीकर ने कहा स्पीकर है, हम आपका न्यायपालिका में फंसेगा, जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है एक बार नोटिस तो दे दिया होता कि भाई हम नोटिस दे रहे हैं, आपको बाहर करना चाहते हैं, फिर अपने तर्क दीजिए। ये दूसरा एक्सेप्शन हो गया। और कोई एक्सेप्शन है तीसरा अपवाद क्या है, पहले क्या था, 52nd Amendment में बात थी, 52nd Amendment में एक बड़ा अंतर किया गया था कि दल का विखंडन और दल का यानी डिफेक्शन, एक अंतर किया गया था दल बदल और एक यह था दल का विखंडन स्प्लिट। और ये था डिफेक्शन, और 52nd Amendment में ये कहा गया था अगर दल के एमपी एमएलए से एक तिहाई मेंबर जाते हैं तो दल बदल नहीं होगा, विखंडन होगा। तो लोगों ने कहा भैया अब एक तिहाई निकलो, एक निकलेगा तो मरेगा और एक तिहाई निकलेगा तो बचा रहेगा। इसलिए कई लोगों ने कह दिया कि दल बदल ने होलसेल दल बदल बढ़ा दिया,
पहले दल बदल कौन करता था? एक। अब क्या हुआ? होलसेल। जब ये एक एक क्यों निकलना है, सीधे एक लो। तो फिर क्या हुआ, 91st अमेंडमेंट से 91 में संविधान संशोधन करेक्शन किया गया। इसमें क्या करना भाई, इसमें कोई अंतर नहीं है, दल बदल भी और स्प्लिट में कोई अंतर नहीं है। 91st अमेंडमेंट में इसे समाप्त कर दिया गया। इस किसे समाप्त कर दिया गया? ऊपर वाले को। यानी एक तिहाई जाओगे तो मरोगे, अकेले जाओगे तो मरोगे, दोनों कंडीशन मरना है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद बना दिया गया, 91st अमेंडमेंट में एक अपवाद बना दिया गया, अगर किसी निर्वाचित दल के 2/3 सदस्य दूसरे दल में विलय करते हैं, मर्जर करते हैं, किसी दल के 2/3 सदस्य दूसरे दल में विलय करते हैं, मर्जर करते हैं, या कोई नई पार्टी बना लेते हैं, उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। या कोई नई दल बना लेते हैं, उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। और हमारे यहाँ जरा सोच के देखिए, जब हमारे यहाँ पूरे पार्टी की संख्या ही 6 है, बीएसपी के 6 विधायक थे, 6 के 6 कांग्रेस में चले गए राजस्थान में, 100% विलय, 2/3 नहीं। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर पार्टी के पास कितने मेंबर हैं? 4, 5, 6, तो 2/3 लेना बड़ा आसान है। 2/3 बड़े आराम से हम ले लेंगे। तो समस्या का समाधान आज भी नहीं हो पाया, दल बदल रुका नहीं है, दल बदल हो ही रहा है। हाँ, बस एक बात और याद दिला दें, 10वीं अनुसूची में लास्ट बात जो कर दी गई कि भाई निर्णय तो स्पीकर करेगा, अंतिम निर्णय स्पीकर का होगा, स्पीकर के निर्णय को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा, ये संविधान में लिखा गया है, व्यवहार में कुछ और हो रहा है। और एक बात और कही गई, जो सांसद विधायक दल बदल करेगा उसे मंत्री का पद नहीं दिया जाएगा। यानी हमने ये भी कह दिया, जो दल बदल होगा वो केवल, आप कहेंगे अच्छा दल बदल से डिस्क्वालीफाई होगा, उसे मंत्री का पद नहीं दिया जाएगा। और जब मंत्री का पद नहीं दिया जाएगा, आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अरे सवाल है, वो भी नहीं दिया जाएगा यार, मंत्री का सरगना कौन? ये लॉजिकल है, मंत्री का पद नहीं दिया जाएगा। कब तक नहीं दिया जाएगा? यानी इसलिए हमारे यहाँ आर्टिकल 75 और इसलिए 91st अमेंडमेंट से कहा गया, इसे 91st अमेंडमेंट से हमारे यहाँ पहली बार संविधान में मंत्री परिषद की संख्या निर्धारित की गई। मंत्री परिषद की या मंत्रिमंडल की? मंत्री परिषद की। हमारे मंत्रिमंडल की संख्या निर्धारित नहीं है, 91st अमेंडमेंट से इसी दल बदल कारण मंत्रिपरिषद की संख्या निर्धारित कर दी गई कि मंत्रिपरिषद की संख्या क्या होगी? लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का कितना? 15% से अधिक। लोकसभा या संसद? धीरे से बोल रहे हैं, इत्मीनान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा, प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। लेकिन गोवा में मंत्री कितने हैं? तो 91st अमेंडमेंट से हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद की संख्या भी तय कर दी गई। गोवा में मंत्री कितने हैं? और याद रखिए, मंत्रिपरिषद की संख्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या निर्धारित करने की वजह क्या थी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या को निर्धारित करने की वजह क्या थी? भाई सीधी सी बात थी, दल बदल को रोकना, इसलिए मंत्रिपरिषद संख्या निर्धारित कर दी गई। लेकिन आप याद रखिए, राज्यों में कहा गया, राज्यों में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%, लेकिन 12 से कम नहीं। राज्यों के लिए क्या है? 12। इसे गोवा में विधानसभा की संख्या कितनी है? 40। तो वहां 40 में 4 ही व्यक्ति में मुख्यमंत्री और 6 व्यक्ति, मतलब 15% कितना होगा 40 का? 40% कितना है? 6। तो 6 में मुख्यमंत्री और सब आना है। बस याद रखिए कि दिल्ली एक्सेप्शन है, दिल्ली में मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा कुल सदस्य संख्या केवल 10% है। दिल्ली एक्सेप्शन है,
क्योंकि 69th अमेंडमेंट से यहाँ पे एनसीटी को स्पेशल अधिकार दिए गए। दिल्ली अपवाद है जहाँ मंत्रिपरिषद की संख्या पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम है। संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 239AA 69th अमेंडमेंट, जहाँ मंत्रियों की संख्या स्वाभाविक रूप में कितनी होगी, विधानसभा की, ऐसे 10% नहीं। पूरी बात पढ़िए, अच्छे से पढ़िए तभी पीटी मामला, नहीं तो फिर से ऐसे 10% 15% किसका 10% किसका 15%, आराम से पढ़िए। और यह कह दिया गया, एक तो संख्या निर्धारित कर दी गई, ये 91st अमेंडमेंट से हुआ, यह दल बदल का ही परिणाम था। संविधान संशोधन 91st अमेंडमेंट से ये हो गया। उसके बाद हाँ, राज्यों में कह दिया कि भाई कम से कम 12 आप मंत्री रख सकते हैं राज्यों के लिए, थोड़ा जिससे मामला बना रहे। और दूसरी बात, अगर किसी ने दल बदल दिया वो मंत्री नहीं बनेगा, याद रखिएगा। अगर किसी ने दल बदल कर दिया इसका मतलब वो सांसद विधायक नहीं रहा। हमारे यहाँ संविधान कहता है कोई सांसद विधायक रहे बिना मंत्री बन सकता है, लेकिन ये लोग नहीं बन सकते, दल बदल करने वाले लोग नहीं बन सकते। इसकी दो शर्त है। तो आप कहेंगे फिर कब मंत्री बन सकते हैं, या तो उस लोकसभा या विधानसभा कार्यकाल खत्म हो जाए, दो ऑप्शन है। ये मंत्री कब बन सकते हैं, या तो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो मान लीजिए हिमाचल में जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, दल बदल के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कब मंत्री बन सकते हैं, या तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कार्यकाल पूरा हो जाए, या दोबारा निर्वाचित होकर आ जाए। दो कंडीशन है, या तो अगली विधानसभा आएगी तब मंत्री बन सकते हैं, और अगली विधानसभा आएगी मंत्री तब बन सकते हैं, जब विधायक ना हो तभी बन सकते हैं। दोबारा ऑप्शन क्या है, या तो वो दोबारा पुनः निर्वाचित होकर विधानसभा में है, पुनः निर्वाचित होकर विधानसभा में आए, पुनः निर्वाचित होकर विधानसभा में आए, ये कंडीशन लगा दी गई कि बिना, जब तक पुनः निर्वाचित होकर विधानसभा में नहीं आएंगे तब तक वो स्वाभाविक रूप में डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। लेकिन इसी बात को जोड़ के देखेंगे तो दो तीन साल, मतलब लगभग 5-6 साल पहले एमपी कर्नाटका में मजेदार घटना हुई। अब देखिए, मजेदार घटना ये हुई कि लगभग आधे विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस के आधे विधानसभा सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन स्पीकर त्यागपत्र ले नहीं रहे थे। अरे भाई, जब एमपी एमएलए से ही त्यागपत्र दे दिया, दल बदल का मतलब खत्म हो गया। लेकिन स्पीकर ने त्यागपत्र नहीं दिया, स्पीकर ने कहा हम तुम लोगों को डिस्क्वालीफाई करूंगा, मैं तुम लोगों को डिस्क्वालीफाई करूंगा। कमाल की बात है यार, जब एमएलए से ही छोड़ने को तैयार थे, स्पीकर डिस्क्वालीफाई करने क्यों लगे थे, कारण बताइए। कारण यही है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रिजाइन कर देता है तत्काल उसे मंत्री बनाया जा सकता है, बाद में चुनाव लड़ेगा, 6 महीने के भीतर चुनाव लड़के दूसरी पार्टी से आ जाएगा। लेकिन अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो गया तो उस विधानसभा में तो नहीं आ पाएगा। आप सोचिए, ऐसा ऐसा दांव पेच भारत में होता है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ, इसके पहले कुछ मुद्दे लिखना जरूर, लिखवाना भी जरूरी है। अच्छा, इतना पॉइंट में लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, फैक्ट है। अब कुछ मुद्दे हमें लिखवाना पड़ेगा, ये तो फैक्ट है। या अच्छा, ये सब भी लिखवाए, ये सब भी बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, नहीं भाई देखो सबके, हाँ बेटा, लोकतांत्रिक लड़े यही होता है भाई, देखो जहां एक भी व्यक्ति कोई आवाज उठाए। देख, कई बार मैं भी, लेकिन लोकतांत्रिक तरीका तो यही भाई, देखो अच्छा, टीचर होना कई बार दायित्व तो होता है, जो सबसे कमजोर बच्चा है क्लास का उसको ध्यान रखना चाहिए। कोई कमजोर है नहीं यहाँ पे, क्या लिखा, हाँ
नहीं, वो दल बदल हुआ ही नहीं, वो तो दल बदल का अपवाद है मेरे बच्चे। वो दल बदल कहाँ हुआ? वो क्या है? वो थोक में दल बदल हुआ। इसलिए कहा जाता है दल बदल कानून दल बदल रोकता है थोक में दल बदल को। तो आप इसलिए कहा जाता है यार ये दल बदल ने किया क्या है, तो कहीं रुका ही नहीं दल बदल कानून। दल बदल नहीं रुका, कुछ और रुक गया। क्या रुक गया? आया था, आए थे हरिभजन को ओटन लगे, दल बदल कानून आया था दल बदल रोकने को, रोक दिया कुछ और। लाए थे मोबाइल देखने के लिए पढ़ने के लिए, हो गया कुछ और। अरे मेरे बच्चों क्या हो गया? दल बदल तो रुका नहीं, सांसदों की बोलने की आजादी छीन ली गई, इसलिए सदन में चर्चा का माहौल गिर गया। अब कोई सरकार खेला बोल ही नहीं पाता, तो ये प्रॉब्लम आने लगी। लिखने की बात है। अब थोड़े मुद्दे की बात करूं मैं फिर इस पे। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में तो ऐसा भयानक मामला हुआ हुआ है कि बड़े बड़े पंडित हैरान हो जा रहे हैं कि आखिर में हुआ क्या। ये क्या लिखा आपने? क्या भाई, सीधी सी बात है, जो दल बदल करेगा, इसलिए आर्टिकल 75 क्लॉज 1 ए जोड़ दिया गया 91st अमेंडमेंट से। और जो भाई जो दल बदल करेगा उसे मंत्री का पद नहीं दिया जाएगा। हिमाचल की एग्जाम्पल हमने बताया, भाई हिमाचल की विधानसभा 2 साल पहले निर्वाचित है, अगर हिमाचल में किसी ने दल बदल कर लिया तो अगले 2 साल तक वो मंत्री नहीं बन पाएगा, हिमाचल में नहीं बन पाएगा। दूसरी बात, अब उसे मंत्री बनना, उसका 2 ऑप्शन है, या तो अगली विधानसभा अगले अगली विधानसभा के कार्यकाल को वेट करें, या तो दोबारा चुनाव लड़ ले। जो किसी बच्चे ने पूछा है संसदीय शासन लोकतंत्र बिना दल के नहीं हो सकता? नहीं। बिना पहिए कार चल सकती है? भाई जरा सोच के देखो, कौन सभी सबको इकट्ठा करेगा, कौन सदन सबको लाएगा? हाँ ये बात अलग है, अगर हमारे देश में हमारे देश की जनसंख्या गांव के बराबर हो जाए तो ग्राम सभा की बैठक हो सकती है, ग्राम सभा में दल की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर राज्य इतने छोटे छोटे हो जाए, इतने हमारे गांव हैं, तो हो सकता है दल की आवश्यकता ना पड़े। इतना बड़ा देश है तो आज तक इसलिए बिना दल के कहीं लोकतंत्र चल नहीं पाया। ये तो है दल बिचौलिया, भाई दल बिचौलिया ही तो है, सरकार और आम जनता के भी बिचौलिया वाला काम करता है, लेकिन बिना आजकल बिचौलिए कोई काम हो ही नहीं पा रहा है। न शादी विवाह हो पा रहा है, न चुनाव हो पा रहा है, न भगवान के पास जा पा रहे हैं, और न किराए पर कमरा मिल रहा है। क्या लिखा आपने? पहला पॉइंट 10वीं सूची में, दसवीं सूची में यह उल्लिखित है कि दल बदल के संबंध में स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। अभी तक कुछ, अच्छा कुछ बच्चे हमारी बात सुनते नहीं क्या ध्यान से, या जब मैं कहता हूं कुछ अलग सोचते रहते हैं? नहीं तो ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। देखिए अभी यही बात गड़बड़ है। किसी बच्चे ने पूछा स्पीकर निर्णायक मत देते समय पार्टी का निर्देश मानेगा नहीं मानेगा? क्या? अरे पार्टी का निर्देश उसके लिए होता ही नहीं। हाँ व्यवहारिक रूप में मानता ही है, लेकिन निर्देश नहीं लागू होता उसके लिए। अब ये बात तो स्पष्ट है, ये आपको पूछना नहीं चाहिए। इसका मतलब फिर मेरी बात आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, अगर हम आपको ये शब्द बता दें, यानी कैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। सदन का कोई पदाधिकारी, भाई सदन का पदाधिकारी क्या है? स्पीकर, उपाध्यक्ष, लोकसभा का नेता जो प्रधानमंत्री होता है, चीफ व्हिप, विपक्षी दल का नेता। सदन के पदाधिकारी में आप किसी बात को शामिल कर सकते हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी होता है महासचिव, लोकसभा का महासचिव, राज्यसभा का महासचिव, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। बड़ी ध्यान देने की बात है, अनुच्छेद यही सेपरेशन ऑफ पावर है,
ये सेपरेशन ऑफ पावर है। सदन के किसी पदाधिकारी के द्वारा किया गया कार्य, स्पीकर ने कोई काम किया, उपाध्यक्ष ने कोई काम किया, महासचिव ने कोई काम किया, इसलिए आप देखेंगे अभी महुआ मोइत्रा, अब लेटेस्ट मामला देख लीजिए, महुआ मोइत्रा के मामले में उच्चतम न्यायालय गई है, उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा सचिवालय से पूछा है आपने कैसे ने बर्खास्त किया, लोकसभा सचिवालय का रिप्लाई आया आपसे, मतलब ये उच्चतम न्यायालय को लोकसभा सचिवालय का रिप्लाई है, उनका अनुच्छेद 122 पढ़ लीजिएगा, आप न्यायालय हैं, अब पढ़ते हैं, ये हमारी सदन की कार्यवाही है, ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस है। बात कैसे आप देखिए, मान लीजिए कल के लिए सांसद कह रहे हैं भाई हम खाना खाएंगे 2 बजे, 1 बजे से 2 बजे नहीं, कल उच्चतम न्यायालय कोई पहुंच गया, उनका महोदय स्पीकर की मनमानी देखो, लंच था 1 से 2 बजे और कर दिया 2 से 3, उच्चतम न्यायालय इसमें क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। अब मान लीजिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होना है तो क्या कोई सांसद उच्चतम न्यायालय चले जाएगा कि महोदय स्पीकर ध्यानाकर्षण हम प्रस्ताव वाला नहीं दे रहा है, जाएगा नहीं जा सकता। इस सेपरेशन ऑफ पावर बताता है कि भाई जैसे उच्चतम न्यायालय में कौन सी बेंच बनेगी इसका निर्धारण हमारे यहाँ स्पीकर थोड़ी करेगा, उच्चतम न्यायालय बेंच कैसे बने, उच्चतम न्यायालय काम कैसे करे, वो 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपनी प्रक्रिया तय करता है, तो भाई संसद अपनी प्रक्रिया तय करेगा, सेपरेशन ऑफ पावर का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो सवाल है ये आखिर में आ कैसे गया, फिर इसमें न्यायालय आ कैसे गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, और अब देखेंगे हम आगे न्यायपालिका अलग से ही बता देंगे, क्योंकि जब न्यायपालिका का मामला है फिर संसद आएगा, न्यायपालिका में यही तो संसदीय संप्रभुता बनाम न्यायिक पुनरावलोकन, ये विवाद बार बार आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे जैसे गठबंधन की सरकारें आई न्यायालय का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकारें कमजोर हुई, अदरवाइज इसी संदर्भ में आप देखेंगे 1993 का किहोतो होलोहान केस, ये लैंडमार्क है, उसके बाद जितने भी केस आए सब उसी को फॉलो कर रहे हैं, किहोतो होलोहान केस लैंडमार्क है, और ईयर याद रखना 1993 नरसिंह राव की सरकार, अल्पमत की सरकार, 90 के बाद अल्पमत की सरकार, गठबंधन की सरकार आने लगी, दल बदल भी व्यापक पैमाने पर हुआ, सरकारें कमजोर थी, न्यायपालिका की शक्तियाँ अपने आप बढ़ गई, इसलिए आप देखेंगे 90 के बाद CAG, इलेक्शन कमीशन, न्यायालय की शक्तियाँ अचानक बढ़ी, भाई यही तो बैलेंस ऑफ पावर है, एक अंग पीछे आएगा दूसरा अंग आगे आएगा, तो जो काम न्यायालय ने कभी नहीं किया था न्यायालय ने वो काम कर दिया। और मामला ये भी था, एक तरफ 52nd अमेंडमेंट अपनाया गया था, 52nd अमेंडमेंट पर लोगों ने ऑब्जेक्शन भी व्यक्त किया था, लोगों ने कहा था देखिए भाई 52वां संविधान संशोधन ठीक नहीं है, संसदीय शासन खिलाफ है, इस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था। तो जब 52वें संविधान संशोधन को भी कहा गया था कि ये तो खिलाफ है, ये तो संसदीय शासन खिलाफ है, संसदीय विशेषाधिकारों के खिलाफ है, इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, लेकिन इन सब बातों को मानने से न्यायपालिका ने मना कर दिया, न्यायपालिका ने एक एक बातों को खारिज कर दिया, न्यायपालिका ने कहा नहीं ये सब नहीं चलेगा, ये निर्णय बड़ा लैंडमार्क माना जाता है, उसी से बेस बन गया, उसी से जब देखो न्यायपालिका स्पीकर के निर्णय पर सवाल उठा देती है, अरे स्पीकर ने भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। अब सवाल ये है, ऐसा नहीं कि हम न्यायपालिका को दोष दे सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि संवैधानिक नैतिकता, एक तो होता है संवैधानिक पद, आप संविधान के पद पर बैठे हुए हैं, और एक है संवैधानिक नैतिकता, जिस पद पर बैठे हुए हैं उसकी मर्यादा भी तो है, जो हो सकता है संविधान में लिखी न गई हो, संविधान की नैतिकता तो होनी चाहिए। इस वजह से आप देखोगे अब स्पीकर ने क्या गोलमाल किया, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, अब देखो स्पीकर ने पक्षपात रूप में काम किया, और हमारे यहाँ अब दल बदल अधिनियम में ये नहीं लिखा गया कि स्पीकर कितने दिन में किसी को डिस्क्वालीफाई करेगा, तो डिस्क्वालीफाई करने में और महाराष्ट्र में क्या हुआ, उच्चतम ने कहा अरे भाई कब डिस्क्वालीफाई करोगे, स्पीकर ने कहा 2025 में, महाराष्ट्र विधानसभा कार्यकाल कब तक है, अक्टूबर 2024 तक, तो हम भाई अब से उच्चतम ने बार बार कहा, स्पीकर ने कहा माइंड योर लैंग्वेज ये हमारा काम है, अरे हम संख्या गिनेंगे कितने लोग आए, उसके बाद काउंट करेंगे, उसके बाद उनकी सुनवाई करेंगे, तब तो हम तय करेंगे, हम भी तो कोर्ट के रूप में काम करते हैं, भाई हम भी नोटिस देंगे फिर नोटिस लेंगे, यही तो मामला हिमाचल का आया, विधायकों ने कहा भैया न कोई नोटिस दिया न कोई फरमान जारी किया और अचानक निकाल दिया सदन से, ये कोई तुगलकी राज है क्या,
इसलिए आप देखोगे इस मामले पर विवाद उत्पन्न होना बड़ा स्वाभाविक था। इस मामले पर विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। तो आप खास तौर पे देखोगे इसलिए स्पीकर ने क्या किया, स्पीकर ने कहा ठीक है अगर हमें निर्धारण ही करना है तो मैं क्या करूंगा, साल में, दो साल में, तीन साल में, तसल्ली बख्श रूप में केसरीनाथ त्रिपाठी थे यूपी विधानसभा के अध्यक्ष, बीएसपी के विधायक दल बदल कर गए थे, पांच साल में संख्या नहीं गिन पाए कि वो एक तिहाई है, दो तिहाई है कि एक है कि दो है, मामला खत्म। यही महाराष्ट्र स्पीकर कर रहा था। लेकिन तब तक चंचूड़ जोश में आ गया, उन्होंने कहा सुनो 31 अक्टूबर पहली बार ऐसा उच्चतम न्यायालय का एक उन्होंने डेड लाइन दे दी, इसके भीतर न्यायालय निर्णय आना चाहिए। स्पीकर ने कहा होले होले काम करो चंद्रचूड़ साहब, आप समझते नहीं स्पीकर के पास कितना काम है। स्पीकर रिप्लाई किया अच्छा ठीक है 31 मार्च तक, 31 अक्टूबर तक नहीं आ पाएगा, 31 जनवरी तक बता देंगे। 3 महीना टाइम लिया। अब उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, इसलिए आप याद रखिए इसीलिए जब 12 सांसदों को सोमनाथ चटर्जी ने बर्खास्त किया गया था, 12 सांसद उच्चतम न्यायालय में गए थे और उच्चतम न्यायालय के उस समय जस्टिस कपाड़िया थे जिनका डिंपल कपाड़िया के साथ कोई संबंध नहीं है। जस्टिस कपाड़िया ने सीधा फरमान भेजा किसके पास, सोमनाथ चटर्जी के पास। आप बताइए 12 सांसदों को बर्खास्त कैसे किया सोमनाथ चटर्जी, आप बताइए आपने ये पूछने का हिम्मत कैसे किया हमसे, आपको पता है कौन है वो? अरे कपाड़िया साहब ने कहा अरे चटर्जी जी ज्यादा गुस्सा मत होइए, अरे मैं भी न्यायालय हूं का, मैं स्पीकर हूं, डेमोक्रेसी में बड़ा कौन है, बड़ा मामला फंस गया। सोमनाथ चटर्जी बता रहे हैं, सोमनाथ चटर्जी की हिम्मत कैसे हुई आपने मुझसे पूछा, आपको अनुच्छेद 122 पता नहीं है। यही मामला भी फिर आया है महुआ मोहतर के मामले में, घटनाएं रिपीट होती हैं, मुद्दा वही होता है। जिसे अब करंट अफेयर क्या कहते हैं, उन्हें कहीं अफेयर हो रहा है ना कोई करंट हो रहा है, घटना नहीं घट रही है ना, आज हिमाचल का हो कल महाराष्ट्र का होगा कल कर्नाटक का कल MP, मुद्दा तो एक ही है, मुद्दा क्या है इसलिए। अच्छा ये बात समझ में आती कि नहीं, वही बताइए मुद्दा कौन सा, न 122 बदल जाएगा, न उच्चतम न्यायालय बदल जाएगा, न स्पीकर बदल जाएगा, न 10वीं अनुसूची बदल जाएगी, इसमें करंट अफेयर क्या होता है। अर्ध न्यायिक कार्य क्वासी जुडिशियल फंक्शंस, ये बात बहुत बड़ी कह दी। देखो उच्चतम न्यायालय बड़ी होशियारी से काम किया, उच्चतम न्यायालय ने कहा भाई आपकी प्रक्रिया तो आप ही निर्धारित करोगे, इसमें कहां मुझे समस्या है। लेकिन स्पीकर की दो भूमिका है, पहला भूमिका क्या है, स्पीकर की पहली भूमिका क्या है, सदन का संचालन करना है तो आप प्रश्नकाल करो, आप कोई प्रस्ताव लाओ, संकल्प लाओ, ये आपकी मर्जी है, आप सदन का सत्र जब चलाओ, जब बैठक करो, जितने दिन करो, ये आपकी मर्जी है, गर्मी लग रही है। और दूसरी बात है दूसरा, लेकिन ये बताइए कि जब स्पीकर किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहा है तो ये प्रक्रिया है या उसकी अर्ध न्यायिक भूमिका है। जब स्पीकर किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहा है, अधिकरण के रूप में काम कर रहा है, वो ट्रिब्यूनल के रूप में काम कर रहा है। और हमारे यहाँ आप याद रखिएगा आर्टिकल 142 में भी, आर्टिकल 136 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय इस देश के किसी भी न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल के खिलाफ कोई भी अपील अपने पास मंगा सकता है। और 142 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय न्याय को पूर्ण करने के लिए कोई भी काम करेगा, ये तो बिल्कुल खुला हुआ क्षेत्र है। यानी 142 में इतनी बात लिखी है कि न्याय को पूर्ण करने के लिए काम करेगा तो करेगा। अब यही बड़ा डिवीजन उच्चतम न्यायालय ने कर दिया, उच्चतम न्यायालय शब्दों को, भाई न्याय तो संविधान शब्दों की बाजीगरी चलता है, जैसे आधारभूत ढांचे में हुआ तो उसने दो कह दिया, उनका भाई प्रक्रिया इसका मतलब दो हो गया, एक होता है प्रक्रिया का अनियमित होना, दूसरा होता है प्रक्रिया का अवैध होना। अगर मान लीजिए कि बात शब्दों को ध्यान से आपने सुना कि नहीं, यह है प्रक्रिया अनियमित, अनियमित का मतलब होता है आप इस क्लास में एक दिन आइए, दो दिन आइए, तीन दिन ना आइए, लेकिन जो इस क्लास का स्टूडेंट ना हो वो भी इस क्लास में आ जाए तो प्रक्रिया अवैध है। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। अब पता चला कि सिनेमा हॉल में अब टिकट लेके जाइए, आधे घंटे में लौट आइए, फिर मन हो तो आधे घंटे को चले जाए, लास्ट स्कोरी देखते फिल्म खत्म कैसे हुई, ये अनियमित है। आपने पूरी फिल्म नहीं देखी, शुरू में देख लिया, लास्ट में देख लिया, लेकिन बिना टिकट के ही सिनेमा हॉल में घुस गए, अवैध प्रक्रिया है। अब सवाल है
इसका मतलब ये है कि सदन कुछ भी काम करेगा तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि सदन की कोरम न हो, सदन चलता रहे तो स्पीकर कहेगा कि भैया हमारी प्रक्रिया सवाल मत उठाना, क्योंकि फिर तो अवैध प्रक्रिया हो जाएगी। और हमारे यहाँ संसद की सर्वोच्चता तो है नहीं, हमारे संविधान की सर्वोच्चता है। ये बताइए, स्पीकर तो अपना काम करेगा, न्यायालय भी अपना काम करेगा नहीं करेगा, फिर यही मामला आ गया। तो हमारे ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता है या संविधान की सर्वोच्चता? तो संविधान में न्यायालय की शक्ति दी गई नहीं दी गई है, तो 226-32 का प्रयोग तो होगा ही होगा। इसे न्यायपालिका ने ऐसा डिवीजन किया, उसी आधार पर न्यायपालिका को सारा अधिकार मिल गया। इसलिए उसने कहा, जब स्पीकर किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहा है, ये बहुत बड़ा काम है भाई, आम जनता सांसद निर्वाचित होकर आ रहा है, अगर स्पीकर इसे डिस्क्वालीफाई करने लगेगा तो लोकतंत्र के भी खिलाफ होगा। यानी स्पीकर ने किसी को इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, उस व्यक्ति ने पार्टी की बात नहीं मानी। तो पार्टी की बात नहीं मानी, निर्वाचित तो वो जनता से आ रहा है, वो स्पीकर ऐसे मनमानी तो नहीं काम कर सकता। इसलिए स्पीकर के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन होगा। अब देखिए, खास बात है, संसदीय विशेषाधिकार की बात अगर की जाए तो 105 में है, 194 में है, और संसदीय विशेषाधिकार दिया ही इसलिए गया है उनके विशेष दायित्व है। मैं संसदीय विशेषाधिकार कोई अपने आप में ये प्रिविलेज नहीं है, ये विशेष दायित्व है, क्योंकि एक सांसद अपने आप में भाई हम तो एक ही व्यक्ति की इच्छा का पूरा नहीं कर पाते। देखिए, हम इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें से ही बच्चे कहते हैं सर ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। सोचिए, एक सांसद 20 लाख जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करता है, तो 20 लाख लोग कहीं ना कहीं उससे नाराज ही रहेंगे। आप ऐसे उनकी बात को निर्णायक तौर पर कहे तो, और आप याद रखिए, सांसदों को विशेषाधिकार क्यों दिया गया, क्योंकि भाई सांसदों को विशेषाधिकार नहीं दिया जाता तो कार्यपालिका क्या करती? कार्यपालिका कई बार ऐसे सत्ताधारी दल के द्वारा विपक्ष के लोगों को हरेस कर दिया जाता। तो मान लीजिए, अगर सांसदों को विशेषाधिकार ना होता और पता चले कि सरकार के खिलाफ कहीं विश्वास प्रस्ताव लाने वाला है, तो फर्जी केस में विधायक या सांसदों को जेल के पीछे डाल देते। ये मामला है भाई, कहीं विधायक सांसद आ रहा है उसको ट्रेन में ही कहीं अगवा करवा लेते, किडनैप करवा लेते। लेकिन सांसद को इसीलिए विशेषाधिकार दिया गया, सांसद कहीं दौरे पे जा रहा है तो उसके विशेषाधिकार है। तो अब सवाल है कि एक तरफ हमने सांसदों को विशेषाधिकार दे रखा है और दूसरी तरफ हमने कह दिया है कि आपको बोलना मना है, दोनों बातें क्लैश कर रही हैं। 10वीं सूची ऐसा लग रहा है सांसदों के विशेषाधिकार के खिलाफ जा रही है। ये जबकि हो तो लोहार ने इस बात को नहीं माना, कि हो तो लोहार ने कहा नहीं भाई, दल बदल एक बड़ी बुराई है, उसे सरकारें अस्थायी हो रही हैं, चुनाव का बोझ बढ़ रहा है, तो हमें तो ये खत्म ही करना पड़ेगा। अच्छा, 105 की बात आपको बता दें, जब कहते हैं दल बदल और सांसदों के विशेषाधिकार, बड़ी सिंपल सी बात है, जो हमारे यहाँ सांसदों के और विधायकों के विशेषाधिकार हैं, अभी हेमंत सोरेन के मामले में फिर ये मामला आया, जो MP MLA के विशेषाधिकार हैं वो एक ही है, बस आर्टिकल अलग अलग है। और सीधी सी बात कही गई है, लेकिन जहां भी हमारे यहाँ संविधान में लिखा जाता है विशेषाधिकार, तो ये बात जरूर लिखा, नॉट विथ स्टैंडिंग आर एनीथिंग सेड इन द अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सीधा मतलब है, संविधान किसी बात को निरपेक्ष रूप में पढ़ा जाए। इसका मतलब क्यों हर जगह लिखा जाता है कि संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग सेड इन द अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है हमारे संसदीय विशेषाधिकार है या फंडामेंटल राइट भी है। तो वही स्वाभाविक रूप में हमारे संसदीय विशेषाधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन भी है। तो हमारे यहाँ चीजें अलग अलग है, तो इसलिए हमारे लिखा हुआ संविधान है तो सब पे लिमिटेशन है, और इसलिए बार बार जुडिशियल रिव्यू की आवश्यकता बार बार पड़ जाती है। तो ये सीधा लिखा गया है कि भाई सांसदों को सदन के भीतर, जो महत्वपूर्ण बात क्या है, सदन के भीतर, सदन के बाहर नहीं, सदन के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सदन के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप कहेंगे सर ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें भी है, लेकिन सांसदों के इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध रहेगा, बात ऐसे देखिए,
हम बहुत सारी बात क्यों नहीं बोल पाते? पुलिस से डरते हैं, सरकार से डरते हैं। अभी हमें सरकार से डर है ना, अगर हमने कोई कुछ बात बोला तो पता चला कि कोई एजेंसी आई, हमने कहा चलो भैया खातिरदारी हो जाएगी, तो क्या लफड़ा पैदा करना। इन सरकार के खिलाफ बोलना बड़ी बात होती है, और सांसदों का मूल काम क्या है? सरकार के खिलाफ बोलना। अरे विधायक जो होगा, सांसद होगा, वो जनता की इच्छा प्रकट करेगा, सरकार खिलाफ बोलेगा, इसलिए उसे अभिव्यक्ति आजादी है। और अभिव्यक्ति आजादी पे हमारे जैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारे बोलने की बड़ी सीमाएं हैं। लेकिन जो बात अंडरस्टूड, एक सांसद भी कुछ चीज नहीं बोलेगा, सदन गरिमा का ध्यान रखेगा, सदन के डिकोरम को ध्यान में रखेगा पहली बात, और दूसरा ये भी ध्यान में रखेगा कि कोई भी उसकी टिप्पणी न्यायाधीशों के व्यक्तिगत आचरण के बारे में ना हो। निर्णय से ऐसा मत हो सकता है वो न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत टिप्पणी न करे उनके आचरण पर कि कोई न्यायाधीश कैसा है, जब तक किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव सदन में ना हो। भाई अगर न्यायाधीश को रिमूवल का प्रोसेस लाया जा रहा है तो बोल सकता है, तो उसके ऊपर थोड़ी लिमिटेशन है। बाकी हमारे ऊपर तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तमाम लिमिटेशन है, हम बहुत सारी बात नहीं बोल सकते। सांसद बोल सकता है, इसीलिए बोल सकता है क्योंकि वो देश की जनता की आवाज़ बोलता है। यानी आप कहते हैं पूछता है भारत, तो पूछता है सांसद, जो भारत पूछता है वो भारत पूछता है, उसमें डाउट है, लेकिन जो सांसद पूछता है भारत ही पूछता है। भाई गली गली मोहल्ले में जा रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, लोगों की चिंता है वो समझता है। और दूसरी बात है, सदन के अंतर्गत दिए गए किसी वक्तव्य के लिए अथवा मत के लिए सदन के भीतर वक्तव्य के लिए यानी कही गई किसी बात के लिए अथवा मत देने के लिए उसे किसी भी न्यायालय के सामने न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। और आप जानते हैं हमारे यहाँ तो व्यक्ति को दंडित देने का, तो बड़ी व्यक्ति को दंडित करने का विधि के शासन को बनाए रखने एक तरीका है न्यायालय। न्यायालय किसी को दंडित कर सकती है, विधि के शासन को बनाए रख सकती है, बाकी कोई प्राविधान है नहीं। इसलिए बात कही जाती है कि हमारे यहाँ सदन के भीतर सांसदों को विशेषाधिकार क्या है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता, उनके दिए किसी वक्तव्य के लिए यानी कुछ बात उन्होंने कही या कोई उन्होंने मत दिया, वोट किया, लेकिन कहाँ पे? सदन के भीतर। सदन के भीतर या संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में, दोनों बातें लिखी गई हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार सदन में मिलता है, संसदीय समितियों में भी मिलता है। कैसे मिलता है? अगर संसदीय समिति ने किसी अधिकारी को बुला लिया कि आप आके हमारे सामने इस बात पे अपना वक्तव्य दीजिए, अधिकारी ने कहा मैं नहीं आऊँगा, तो विशेषाधिकार का मामला बन जाएगा, अधिकारी को आना पड़ेगा। अगर संसदीय समिति ने किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई रिपोर्ट मंगाई, सरकारी डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, विशेषाधिकार का उल्लंघन है, तो संसदीय समिति को विशेषाधिकार है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि सीता सोरेन के मामले में ये मुद्दा उठा था, तो क्या विशेषाधिकार में घूस देना भी शामिल है? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। अब देखिए हमारे यहाँ संसदीय विशेषाधिकार इतना लिखा गया, लेकिन बाद में एक लाइन लिख दी गई है समय, आप कहेंगे सर इतना ही विशेषाधिकार, मत देने का, बोलने का इतना ही? नहीं, इतना नहीं है, ये तो ट्रेलर है। बाकी सब कौन निर्धारित करेगा? संसद। जैसे आधारभूत ढांचे की सूची बनाती है न्यायपालिका, तो विशेषाधिकार की सूची कौन बनाएगी? संसद। इसे अंतिम लाइन में लिख दिया गया है, समय समय पर संसदीय विशेषाधिकारों का निर्धारण संसद करेगी, विधानसभा करेगी। और हमारे यहाँ संसद में एक विशेषाधिकार समिति है, वो समय समय परिभाषित करती रहती है। लेकिन इस मामले में 1998 में नरसिंह राव का एक बड़ा अप्रत्याशित मामला आया जो दलबदल जुड़ता है। अब इसका मतलब हमारे यहाँ संसदीय विशेषाधिकार क्या है, अब लिखा नहीं गया है, लेकिन संसदीय विशेषाधिकार के आरोप में क्या संसद किसी व्यक्ति को हवालात भेज सकती है? संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के आरोप में क्या संसद किसी व्यक्ति को जेल भेज सकती है? भेज सकती है, ये लिखा नहीं गया यहाँ पे, लेकिन अब संसदीय समिति तय करेगी तो तय कर देगी। और कई संसदीय विशेषाधिकार में लोगों को जेल भी भेजा गया है, इसका सीधा मतलब है। इसलिए संविधान में बड़ी सारी बातें लिखी नहीं गई, क्योंकि समय के हिसाब से विशेषाधिकार खुद संसद तय करेगी, परिस्थितियां बदलेंगी उसके हिसाब से हम विशेषाधिकार तय कर देंगे।
लेकिन 1998 के मामले में चूंकि विशेषाधिकार सूची तो है नहीं, लिखा तो है नहीं, और इसीलिए आप याद रखें कई बार संसदीय विशेषाधिकार न लिखने के भी कारण है, हमारे यहाँ जो चीज़ लिख दी जाएगी वो विधि बन जाएगी, और विधि बन जाएगी तो उसकी अंतिम जांच कौन कर देगा? न्यायपालिका, और जब तक लिखा नहीं जाएगा न्यायपालिका के सामने जाएगा नहीं, ये भी इसके पीछे तर्क है। और संसद ही बताती है भाई देखो लिखने के कारण क्या है, अरे समय बदलेगा, समय बदलेगा तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो हो सकता है सांसद के टेलीफोन टैपिंग विशेषाधिकार का उल्लंघन हो जाए, वो तो हम बताएंगे, हो सकता है किसी सांसद को बेवकूफ कह देना विशेषाधिकार का उल्लंघन हो जाए, किसी संसद के बारे में अभद्र टिप्पणी करना विशेषाधिकार का उल्लंघन हो जाए, वो तो हम ही तय करेंगे। हम जो कहेंगे तो अभी उच्चतम न्यायालय से पूछा गया कि विशेषाधिकार क्या है, उनका देखिए विशेषाधिकार सांसद के वो विशेषाधिकार है जो उसके सामूहिक कार्य से जुड़े हुए हैं। इन दो लेवल का विशेषाधिकार है, एक सांसद का वो विशेषाधिकार जो सदन के सामूहिक कार्य से जुड़ा हुआ है, जैसे उसका प्रश्न पूछना विशेषाधिकार है। अब सामूहिक कार्य क्या है, संसद में कोई प्रेस दीर्घा में लोग आ गए और उन्होंने कहा कि हम सवाल पूछेंगे, प्रेस वाले ने कहा तो संसद ने कहा कि ये प्रेस की ये सदन की कार्यवाही अपनी नहीं छापेंगे, और प्रेस ने छाप दिया, ये संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन है। तो संसद से मना कर सकती है, संसद अपनी कोई बैठक सीक्रेट कर सकती है, तो कोई ये नहीं कर सकता नहीं हम देखेंगे बैठक, ये विशेषाधिकार है। आप सदन में गए, स्पीकर ने कहा इस बच्चे को जरा हटाया जाए, ये कौन बच्चा बैठा हुआ है, ये ठीक नहीं लग रहा, आपने कहा ना 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 सर हम तो देखेंगे सदन की कार्यवाही देखेंगे, पहले बाहर जाओ, विशेषाधिकार है, ये सारे उनके विशेषाधिकार हैं। अब सवाल ये है, और 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी, 1998 में नरसिंह राव केस आया, नरसिंह राव वाद में उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी, नरसिंह राव वाद में उस समय नरसिंह राव सरकार थी 96 तक, मामला सरकार के दौरान का था लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दो चार साल लग जाते हैं। मामला ये था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा संयुक्त से फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ही विवाद में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर आरोप था उसने पैसा लेकर वोट दिया। अब पैसा लेकर वोट दिया तो वोट तो सदन के भीतर दिया, अगर पैसा लेकर हमने मत दिया तो अब बताइए इसके लिए हमें कोर्ट के सामने उत्तरदायी ठहराया जाएगा? 105 और 194 में क्या लिखा गया है, सदन में दिए गए किसी मत के लिए हमें प्रोसिक्यूट न्यायालय में नहीं किया जाएगा। तो भाई हमने पैसा लेकर सदन में वोट किया, इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने नोट लेके वोट दिया उसको उसके खिलाफ FIR नहीं होगी, न्यायालय मामला चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने पैसा लेके वोट नहीं दिया तो न्याय मामला चलेगा। ये लिटरली ऐसा नरसिंह राव केस में न्यायपालिका ने कह दिया, जो हैरानी वाली बात थी। कई कई बार तो आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय भी कैसे निर्णय देता है, बड़ी विवाद का विषय है। अब ये कमाल की बात है यार, इसका मतलब ये तो अच्छी बात है पैसा लेके वोट करना, फिर पैसा ले लिया तो हम वोट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पैसा लेके वोट न करने में प्रॉब्लम है, पैसा लेके वोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि हमारे यहाँ कहा जाता है घूस लेना घूस देना एंटी करप्शन एक्ट में अपराध है, 1988 का एंटी करप्शन एक्ट है, और जो घूस लेगा एंटी करप्शन एक्ट हिसाब से उसके खिलाफ न्यायालय में प्रोसिक्यूशन चलना चाहिए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद बच गए, संयोग से यही मामला फिर शुरू हो गया सीता सोरेन खिलाफ। सीता सोरेन ने क्या किया, चुनाव में राज्यसभा के चुनाव में पैसा लेके वोट दे दिया, और जब उनके उनके सामने मामला आया फिर यह कि भाई बताया आपने पैसा लेके वोट दिया, तो कह रहे नरसिंह राव केस जाके देख लो, लोगों ने कहा इनके ऊपर FIR कराई जाए क्योंकि इन्होंने पैसा लेके वोट दिया एंटी करप्शन एक्ट में, ये पब्लिक सर्वेंट है, ये विधायक है। उनका अरे विधायक है तो हमने सदन के भीतर वोट दिया है, ये सदन के भीतर हमने वोट दिया है, और सदन के भीतर हमने वोट दिया तो आप क्या कर लोगे? मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा, उच्चतम ने कहा प्रभु ये कैसा निर्णय आपने दिया है कि बताओ आप कह रहे हो कि ये भी विशेषाधिकार है, पैसा लेके वोट देना विशेषाधिकार है। उच्चतम ने कहा ना गड़बड़ी हो गई, इसको तो हम करेक्ट करेंगे। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने अपने नरसिंह राव केस के निर्णय को फिर से बदल दिया। अभी एक नाभेम राबिया केस को भी चेंज कर रहे हैं महाराष्ट्र के मामले में, उसमें भी उटपटी बात कही है।
इसका मतलब कई बार ऐसा लगता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी अनेक फैक्टर से प्रभावित होते हैं। वही मानव ही है, हम ये नहीं कह सकते परिस्थितियाँ तो, उच्चतम न्यायालय इसी धरती पर रहते हैं, न्यायाधीश मंगल ग्रह से तो आते नहीं, उनके विचारधाराएं होंगे, उनके मत होंगे, उनके दृष्टिकोण भी होंगे, उससे निर्णय प्रभावित होता है। अभी इस निर्णय को बदल दिया इन लोगों ने, अभी इन्होंने कहा कि नहीं, नरसिंह राव केस को बदलते हुए अभी 2024 का निर्णय दिया कि अगर भ्रष्टाचार यानी पैसा लेकर मत दिया गया तो वो संसदीय विशेषाधिकार में नहीं आएगा। और जरा सोच के देखिए कितनी बड़ी समस्या है ये, सांसदों विधायकों के लिए कितनी बड़ी मतलब फैजियत की बात है। तो उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि पैसा लेकर वोट देना संसदीय विशेषाधिकार नहीं है, ये क्या है, करप्ट प्रैक्टिस है। पैसा लेकर वोट देना, इसके लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के एंटी करप्शन एक्ट में मामला चलाया जा सकता है, भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम में मामला चलाया जा सकता है। और इसका मतलब अब सीता सोरेन के खिलाफ न्यायपालिका में प्रोसिक्यूशन चलेगा। अभी तक न्यायपालिका में उनके खिलाफ मामला इसलिए नहीं गया है कि वो लगातार कोर्ट में जा रही थी कि न्यायपालिका ने खुद ही कहा है कि मैंने पैसे लेके वोट दिया है, और पैसे लेके वोट देना संसदीय विशेषाधिकार है। न्यायपालिका ने कहा पैसे लेके वोट देना संसदीय विशेषाधिकार नहीं है। संसदीय विशेषाधिकार क्या है, संसदीय विशेषाधिकार क्या है, जो सदन के सामूहिक कार्यों के लिए आवश्यक हो, और जो ऐसी सांसदों कार्य हो जो सदन की कार्यवाही जुड़ा हुआ हो वही विशेषाधिकार है, उसके अलावा कोई विशेषाधिकार नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब सांसदों से पूछिए कि भैया न्यायपालिका बता रही है विशेषाधिकार क्या है, तो उनका होती कौन है न्यायपालिका, 105 पढ़ो, अब बड़ा लफड़ा फंस जाता है। इसका मतलब है एक तरफ सांसदों को विशेषाधिकार मिल गया, लेकिन विशेषाधिकार के नाम पर क्या भ्रष्टाचार भी करेंगे, एक तरफ सांसदों को विशेषाधिकार मिल गया तो विशेषाधिकार के नाम पर भ्रष्टाचार की परमिशन तो नहीं हो सकती, लेकिन विशेषाधिकार के नाम पे सदन के कार्य संचालन की अनुमति हो सकती है। अब सवाल है क्या ये विशेषाधिकार दर बदल से जुड़ता तो नहीं है, उसी बात को लिख लीजिए, विशेषाधिकार अलग है दर बदल अलग है, दोनों को जरा जोड़ के देखिए कैसे आप लिख लीजिए, बिल्कुल कार्यवाही होगी। अब यही देखिए कई बार लोगों खराब समय आते हैं, लोग खराब समय आ जाते हैं, इसलिए एक बात आपको याद दिला दें, आपको याद है जब हमने संयुक्त बैठक बताए थे नेहरू की बात याद दिलाई थी, 61 में ज्वाइंट सेशन तब हुआ था जब नेहरू का दोनों सदनों में बहुमत था, इसके बावजूद ज्वाइंट सेशन हुआ था। इसका मतलब ये जिससे दिखता है कि लोकतंत्र में भाई बीजेपी के सांसदों को भी सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी होनी चाहिए, कांग्रेस के सांसदों को उनके अधिकारी खिलाफ बोलने की आजादी होनी चाहिए, यही तो सांसदों की निजी भूमिका है। जब सांसदों की निजी भूमिका घटेगी पूरे सदन का ह्रास होगा। अब सवाल यह है, दो समस्या आ रही है, इसका मतलब जो प्रावधान हमने दल बदल के लाया और रुक तो पाया नहीं, उल्टा उसका प्रभाव देखा जा रहा है कि सदन में कार्यवाही नहीं चल रही है, परिचर्चा होती नहीं, विधेयक धनाधन पारित हो रहे हैं तो जवाबदेही और परिचर्चा दोनों घट रही है। अब सवाल है उपाय क्या किया जाए फिर, तो देखिए उपाय तो यही है, दो बुराइयाँ एक साथ है, दर बदल को भी सपोर्ट नहीं किया सकता लेकिन संसद की चर्चा भी होनी चाहिए। उपाय तो यह है कि उपाय क्या लिखे, महाराष्ट्र घटना जरा देखें कितना उठा पटक हुआ वहाँ, तो महाराष्ट्र घटना देख के फिर बाकी हम निष्कर्ष निकालेंगे। दल बदल में जो हम क्या देख रहे थे, 52वां संविधान संशोधन, और इस संदर्भ में महाराष्ट्र की बात देख लें जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और याद रखिए अगर मामला बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाए तो एग्जाम में आने के चांस बड़े मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि विवादों सवाल नहीं बनता भाई, कोई ना कोई सैद्धांतिक उत्तर जब आप दे सकेंगे तभी सवाल बनेगा, जब किसी चीज का सैद्धांतिक उत्तर दिया ही ना जाए, कई बार ऐसे विवाद होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते। और अच्छा ये भी आप देखिएगा, जैसे कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि नोट्स में अलग लिखा गया है, जो मैं लिखवा रहा हूँ अलग लिखा, हमेशा अलग होगा। अब अच्छा कई बार बिगनर बच्चों का भी कन्फ्यूजन होता है कि यार मैं विशेषाधिकार पढ़ा रहा हूँ, उसमें न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन पे भी आ जा रहा हूँ, संसदीय शासन पे भी आ जा रहा हूँ, तो पढ़ा क्या रहा हूँ। अब कई बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, कि कन्फ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि आप याद रखिए जिस तरीके से अलग अलग लिखी गई है बातें वो सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको मिलाना होता है। सबसे सिंपल कुक क्या है, दाल को अलग दिया, चावल को अलग दिया,
इसलिए एग्ज़ाम में मिला के चीज़ें पूछी जाती है, चीज़ों को होलिस्टिकली देखने की आदत होनी चाहिए, विश्लेषणात्मक। इसलिए आपको ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, आप चीज़ों को फिर नज़रिया बदलिए। कोई भी एक टॉपिक दूसरे से जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक मेंस का आपकी पेन आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, आप लिख ही नहीं पाओगे। भाई बताइए, विधायिका कहाँ आएगी जहाँ कार्यपालिका नहीं आ पाएगी? अब इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना है तो कार्यपालिका का डिसीजन था, न्यायपालिका आ गई नहीं आ गई? न्यायपालिका इसमें आ गई, लगातार परमादेश दिए पड़ी हुई है, SBI के पसीने छुड़ा दिया है, यही तो मैंडमस है। तो आप कहें किसकी बात कर रहे हो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका? तीनों की बात। और जब तीनों के बीच संबंध बनाना सीख जाएंगे तो अपने आप उत्तर लिखना सीख जाएंगे। तो चीजें डिवाइडेड नहीं होती, और जैसा नोट्स में है वैसा ही मैं लिखवाऊंगा, इसमें लिखवाने का फायदा क्या है? नोट्स में सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन वाइज ये बात है, नोट्स में बच्चों जैसा दिया गया है, एकदम लल्लू वाला सिद्धांत, ऐसे पढ़ते चले जाओ, ये टॉपिक है, उसमें भी इंटरलेशन तो उसमें भी है। इसलिए ये आपको मैं कभी को कन्फ्यूजन होता है कि नोट्स में अलग लिखा हुआ है, इसमें अलग लिखा हुआ, अलग नहीं लिखा होता लिखाने की जरूरत क्या पड़ती? अलग नहीं लिखा होता लिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको बता दें, मैं संविधान संशोधन और ये पूरी महाराष्ट्र घटना है क्या, बात सीधी सी है, बावरे में संविधान संशोधन लिखा गया है। अब देखो उच्चतम न्यायालय ने कैसे मामले कॉम्प्लिकेट कर रखा है, कई बार उच्चतम न्यायालय भी नहीं समझ पाती क्या क्या रही है। अब 10वीं अनुसूची से कि 52वीं संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची बनाई गई, इसका मतलब ये भी होता है कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, पहले से कौन सी बनाई गई? 9वीं, 52वीं से 10वीं, फिर 11वीं 12वीं, 73वीं और 74वीं से। ये फैक्ट भी याद करने के तरीके हैं। अगर आप लॉजिकल देखेंगे तो एक चीज़ आप देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत चल जाना चाहिए इसके आगे पीछे क्या है। तो फैक्ट भी स्टोरी के माध्यम से आपको याद हो जानी चाहिए, फैक्ट हमें अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ना हम संविधान संशोधन अलग से देखते हैं, कई बच्चे कहते हैं पॉलिटी हो गए, सर संविधान संशोधन नहीं बताए, यही सब तो सब पहला 24वां 25वां, हम 99th पे आएंगे, 42nd भी आपको बता, जितने भी लैंडमार्क संविधान संशोधनों को इसी डिबेट में आ जाएंगे, वो अलग से आपको नहीं बताए जाएंगे। तो पहला, अब 10वीं अनुसूची में लिखा गया है दल बदल कौन तय करेगा? स्पीकर, स्पीकर अंतिम निर्णय करेगा। लेकिन अरुणाचल के केस में 2017 के नाबेम राबिया केस में, और ये बात इसलिए फिर उठ रही है क्योंकि उच्चतम न्यायालय फिर इसको रिव्यू करने जा रहा है, जैसे नरसिंह राव केस को रिव्यू किया वैसे उच्चतम न्यायालय कह रहा है। नाबेम राबिया केस मामला अरुणाचल प्रदेश का था, और अरुणाचल प्रदेश में एक ऐतिहासिक मामला हुआ था जो शायद भारत के इतिहास में यदा कदा ही नहीं हुआ था, मतलब यदा कदा की बात ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में हुआ क्या, राज्यपाल ने विधानसभा की बैठक बुला ली बिना विधानसभा के मंत्रिपरिषद के सलाह से, बड़ा विवाद का विषय हो गया कि क्या राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना। उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया, उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं हो सकता, जब तक आप मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लोगे तब तक राज्यपाल ये बैठक बुला नहीं सकता। राज्यपाल ने कहा रहे भाई 6 महीने होने को थे, ये बैठक बुला ही नहीं रहे थे, और संयोग की बात है 6 महीने में 2-3 दिन बाकी थे। राज्यपाल ने कहा जैसे इतना दिन वेट किया 3 दिन और वेट कर लेते, लेकिन राज्यपाल वो भी एक IAS ऑफिसर थे, उन्होंने इसी बैठक बुला ली। उसके बाद मामला उच्चतम न्यायालय के पास पहुंचा। अब पहली बार ऐसा हुआ था विधानसभा की बैठक एक होटल में हो रही थी, क्योंकि जब राज्यपाल ने विधानसभा की बैठक बुला ली तो उसमें क्या हुआ, स्पीकर ने विधानसभा में ताला मार दिया, स्पीकर ने कहा आओ बैठक बुलाओ। अब जब उन्होंने विधानसभा में ताला मार दिया तो स्पीकर ने कहा चलो होटल में चलते हैं, राज्यपाल ने कहा, राज्यपाल ने होटल में जाके बैठक हुई और विधायकों ने कहा कि पहले स्पीकर को हटाओ। तो विधायकों ने क्या कर दिया, स्पीकर को हटाने की नोटिस दे दी। भाई अब आप देखिए दल बदल के मामले में स्पीकर को पद से हटाने की नोटिस दे दी, और यही मामला आप देखें कमोबेश महाराष्ट्र में भी आया, इसी मामले उच्चतम न्यायालय फंस गई। मैं अपने नाबेम राबिया केस में कुछ और कहा, अब महाराष्ट्र में आप उसी बात, फिर आपके निर्णय थोड़े अलग आ रहे हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने 2017 के नाबेम राबिया केस में कहा कि अगर स्पीकर को ही हटाने का प्रस्ताव आ जाए तो वो डिस्क्वालिफिकेशन की याचिका पर विचार नहीं कर सकता,
इसका सीधा मतलब है, अगर हमें दल बदल करना है तो एक काम करना पड़ेगा, सीधा स्पीकर को हटाने के नोटिस दे दें। आप कहेंगे स्पीकर को हटाने का तरीका क्या है, तो आपको याद दिला दें, चाहे विधानसभा का हो चाहे संसद का हो, 14 दिन पहले की नोटिस देनी पड़ेगी। और इस स्पीकर को हटाने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, विधानसभा या लोकसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत। तो तत्कालीन का मतलब होता है कि मान लीजिए, देखिए आपको हम फिर याद दिला दें, तत्कालीन इसका मतलब है एक तो है लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, पहला क्या है कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या कितनी है, लोकसभा के 543, विधानसभा के राज्यों के अलग अलग है, राज्यों के अलग अलग है, लेकिन मान लीजिए हमने लोकसभा का मान लिया, अगर स्पीकर को हमें हटाना है, कुल सदस्य संख्या 543। दूसरा होता है, दूसरी एक उपस्थित संख्या प्रेजेंट मेंबर, यह स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, दूसरा है प्रेजेंट उपस्थित संख्या। तो प्रेजेंट मेंबर का मतलब होता है कि कुल माइनस अनुपस्थिति, कुल माइनस अब्सेंस, अनुपस्थिति, कुल माइनस अनुपस्थिति, यही उपस्थित संख्या। तो आप जानते हैं अनुपस्थितियां 100 होती हैं, अब्सेंट तो बहुत ज्यादा होता है, 100, 150। एक बार तो प्रधानमंत्री महोदय आए संसद के सामने, 60 सांसद बैठे थे, बहुत नाराज हो गए, केवल 60, 543 में 60 कल बैठे हुए हैं, बाकी सब अब्सेंट थे। तो सदन में तो ऐसे होता है, जब कोई व्हिप वगैरह जारी नहीं होती, महत्वपूर्ण मामला नहीं होता, भाई सांसद कहीं संसदीय समिति में है, कहीं अपने संसदीय क्षेत्र में है, और वो भी सांसद 60 साल के बाद होता है, कहीं हॉस्पिटल में है, अलग अलग मामले होते हैं, छुट्टी मिल जाती है, खूब दौरे भी करते रहते हैं। तो उपस्थित संख्या, दूसरा है प्रभावी संख्या, इफेक्टिव स्ट्रेंथ, दूसरा है प्रभावी संख्या। स्पीकर को हटाना हो तो ये आपको चाहिए, तो प्रभावी संख्या का मतलब है कुल माइनस वैकेंसी, कुल संख्या माइनस रिक्तियां, यह है प्रभावी संख्या, स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, ये प्रभावी संख्या है। अब वैकेंसी तो 5,000 कभी नहीं होती, अब ऐसा नहीं है कि 100 लोग इकट्ठे रिजाइन कर देंगे या 100 लोग इकट्ठे, अब मैं कैसे सुबह सुबह बात करूं कि 100 सीट कैसे खाली हो जाएगी लोकसभा की, संभव है नहीं। हाँ ये बात अलग हो सकती है कि जैसे एमपी और राजस्थान, एमपी कर्नाटक का मामला था, उसमें तो 50-60 विधायकों ने एक साथ रिजाइन कर दिया, यह प्रत्याशित बात थी, सामान्यतः ऐसा होता नहीं। तो प्रभावी संख्या अगर 543 है तो अनुपस्थित सामान्यतः मैक्सिमम 5 होती है। याद रखिए वैकेंसी, रिक्ति का मतलब है जो सीट खाली हो गई है, और खाली क्यों होगी, कोई लोकसभा मेंबर है राज्यसभा में चला गया, होता नहीं वैसा, लोकसभा का मेंबर है मुख्यमंत्री बन गया, लोकसभा का मेंबर है रिजाइन कर दिया, ऐसे कारण से खाली होती है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि वैकेंसी और अनुपस्थिति में फर्क है, वैकेंसी अलग है और अनुपस्थिति अलग है। इसे प्रभावी संख्या का मतलब क्या होता है, कुल संख्या माइनस रिक्तियां, तो मान लीजिए 5 इसमें रिक्ति है लोकसभा में, तो लोकसभा कुल प्रभावी संख्या कितनी हो जाएगी, 538। तो 538 का आधे से ज्यादा ये होगी प्रभावी बहुमत, प्रभावी संख्या का एक से अधिक होना, 538 के आधे से ज्यादा ये क्या है, प्रभावी बहुमत। स्पीकर को हटाने का यही तरीका है। अब जिसे संविधान में क्या लिखा गया है, तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत, संविधान में प्रभावी सब शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसमें सीधा तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत। तो तत्कालीन का मतलब ही है प्रभावी, प्रभावी का मतलब है कुल माइनस वैकेंसी, जो सीटें खाली है, इसी से स्पीकर को हटाया जाएगा, इसका मतलब है। लेकिन अगर इस बात को देख लिया जाए, इसका मतलब बड़ा पेचीदा मामला हो गया, अब तो दल बदल के मामले में स्पीकर की शक्तियां हमने कम कर दी, अगर नाबेम राबिया केस को मान लिया जाए, और एग्जैक्टली महाराष्ट्र में भी तो यही हुआ। महाराष्ट्र में घटनाक्रम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे, अब आप देखिएगे दल बदल लागू कब होगा, जब सामान्यतः पार्टी का कोई पदाधिकारी व्हिप जारी करेगा, पार्टी का पदाधिकारी व्हिप जारी करेगा। अब इस बात को महाराष्ट्र से हम जोड़ दें, ये हटा दें, या हम आगे आगे का पेज ले लें। देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ,
आप जानते हैं कि दल बदल के अंतर्गत हर दल का एक विप होता है, चीफ विप होता है। अब शिवसेना का अपना चीफ विप होगा, एनसीपी का अपना होगा। अब शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, और उनका क्या हुआ, जब उन्होंने विप जारी की तो स्वाभाविक रूप में जब शिवसेना किसकी है भाई, विप जारी कौन करेगा, जिसकी पार्टी होगी। विप जारी कौन करेगा, जिसको पार्टी का नेता कहेगा। अब सवाल है, शिवसेना ही डिवाइडेड हो गई। अब विप कौन जारी करेगा, इस बारे में बड़ा मतभेद आ गया। उच्चतम न्यायालय का कहना है, यहाँ भी यही मामला हुआ, यहाँ पार्टी डिवाइड हो गई और सारे विधायकों ने कह दिया भैया पहले स्पीकर तुम हटो। स्पीकर को हटाना सबसे जरूरी है, वही डिस्क्वालिफिकेशन तय करेगा। तो जब महाराष्ट्र में शिवसेना डिवाइड हुई तो यहाँ विधायकों ने कह दिया स्पीकर हटो। अब उच्चतम न्यायालय को फिर विधायकों ने क्या कहा, भाई नाबेम राबिया केस आप याद करिए। उच्चतम न्यायालय का नाबेम राबिया केस अब हम फिर से देखेंगे, अब कमाल की बात हो गई। इसलिए महाराष्ट्र की घटनाक्रम को देखते हुए समस्या उत्पन्न हुई। पहली बात यहाँ पे हुई, स्पीकर को हटाने की नोटिस दी गई, पहली बात। दूसरा, महाराष्ट्र में कोई टेक्निकल मामला आया। अब ये हुआ कि व्हिप कौन जारी करेगा, मान लीजिए कि हमने तो कह रखा है कि व्हिप कौन जारी करेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि देखिए दो होता है, एक है शिवसेना, एक होता है शिवसेना का पूरा दल है, शिवसेना एक दल है। दूसरा है उसके विधायक दल के सदस्य हैं। भाई एक तो शिवसेना के एमएलए हैं और एक शिवसेना पार्टी है, तो जो शिवसेना के एमएलए हैं वो बड़े हैं, शिवसेना के पार्टी है वो बड़ी है, वैसे आप देखेंगे। और हमारे देश में समस्या क्या है, पार्टी और विधायक दल के बीच में फासला कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पार्टी ही व्यक्ति केंद्रित है, ये हम पार्टी सिस्टम में पढ़ेंगे। अब पार्टी ही व्यक्ति केंद्रित है तो सवाल है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के मुख्यमंत्री, वही पार्टी के चीफ, जो शिवसेना का मुख्यमंत्री था वो पार्टी का चीफ था। सामान्यता में प्रिंसिपल मानते हैं कि जो पार्टी का मुखिया होगा, जैसे मान लीजिए कि इस समय जेपी नड्डा तो बीजेपी के पार्टी चीफ है, और बीजेपी के तमाम ऐसे पार्टी के लोग हैं जो एमपी या एमएलए नहीं है, तब तो डिवीजन ठीक दिखता है कांग्रेस के लिए, राष्ट्रीय दलों के लिए तो मामला ठीक दिख जाता है। उच्चतम न्यायालय से पूछा गया कि भाई व्हिप कौन जारी करेगा, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शिवसेना का जो विभाजन हुआ है वो विधायक दल का हुआ है। बात ध्यान सुनने की है, इसे मामला उलझ गया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसलिए ये सब चीजें एग्जाम में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। एग्जाम में बड़ी सिंपल सी बेसिक चीज आती है, जहां पे कि स्टैंड ले ही नहीं सकते, एग्जाम कैसे पूछा जाएगा, जिसका कोई सोर्स ही नहीं है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ये बात कह दी, और अभी भी उच्चतम न्यायालय का मामला भी विचार चल ही रहा है इस पूरे मार्ग। तब तक यह शिवसेना पलटी थी, तब तक उधर एनसीपी भतीजे ने चाचा को छोड़ दिया। अब सवाल है कि महाराष्ट्र के जो एनसीपी है, अब आप जरा सोच के देखिए कैसे आप अंतर करेंगे कि पार्टी कौन है और विधायक दल कौन है। अब सवाल है, शिवसेना में विधायक दल अलग हुआ, पार्टी अलग थोड़ी हुई, पार्टी अलग हुई नहीं, इसलिए व्हिप जारी करेगी पुरानी पार्टी। लेकिन जब शिवसेना का विभाजन हो गया और शिंदे नए मुख्यमंत्री बन गए, स्पीकर भी नहीं आ गया, व्हिप कौन जारी करेगा, उद्धव ठाकरे की पार्टी, और स्पीकर किसका है, शिंदे का। मामला फंस गया कि नहीं फंस गया, मामला फंस गया। आगे आपको एसआर बोमई केस बता देंगे, उच्चतम न्यायालय उसका भी रेफरेंस यहाँ पे दिया था, लेकिन वो मामला संघवाद के साथ बता देंगे। आखिर में एसआर बोमई केस की बात क्यों कर दी, क्योंकि हुआ क्या कि उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया, फ्लोर टेस्ट देखा नहीं, फ्लोर टेस्ट के पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इस पर उच्चतम न्यायालय ने कमेंट किया था कि अगर रिजाइन न किया होता तो क्या होता। इसका मतलब है कि अब मामला कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, उच्चतम न्यायालय कहना है कि विधायक दल जो है वो व्हिप जारी करेगा, लेकिन इस समय वर्तमान में जैसे शिवसेना पार्टी बट गई, इस समय स्पीकर किसका है, शिंदे गुट का, शिंदे गुट का स्पीकर है, और व्हिप जारी कौन करेगा, उद्धव ठाकरे, या उद्धव ठाकरे गुट व्हिप जारी करेगा और शिंदे गुट का स्पीकर है, तो पुराने स्पीकर हटा दिया गया।
भाई जैसे ही सरकार बदली, पुराना स्पीकर हटा दिया गया, सीएम हटा दिया गया। अब सवाल है कि व्हिप कौन जारी करेगा? उद्धव ठाकरे का नेतृत्व, और स्पीकर किसका है? शिंदे का। तो अभी आपने देखा होगा यही मामला, उच्चतम न्यायालय ने मामला फंसा दिया। अगर भाई व्हिप ये जारी करेंगे तो व्हिप तो जारी करके कह देंगे सब डिस्क्वालीफाई है इन्होंने, अगर व्हिप जारी करेगा ये तो कह देंगे शिंदे के लोगों ने सब हमारे आज्ञा का अवमानना की, सबको डिस्क्वालीफाई करो। स्पीकर इस समय है शिंदे का, और हिप कौन जारी कर रहा है? अजीब सी बात नहीं है भाई, सीधी से है। अभी कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला है, यानी हिप जारी कर रहा है चाइना, और क्षेत्र है भारत का। अरे भाई चाइना हमारे क्षेत्र के बारे में क्या कह सकता है? अब उच्चतम न्यायालय में ऐसा कॉम्प्लेक्स मामला कर दिया, और अभी क्या किया स्पीकर ने, निर्णय दिया ये सब दल बदल कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल ये वैलिड पार्टी है, यही शिवसेना है। अब इसमें फिर मामला फंस जाता है। अगर आज के डेट में स्पीकर ही शिंदे गुट का है पहला, तो व्हिप जारी करने वाला शिंदे गुट का आ गया, तो शिंदे गुट रियल शिवसेना है या उद्धव ठाकरे रियल शिवसेना है, कैसे तय किया जाए? तीर धनुष किसके पास होगा? उद्धव ठाकरे का शिवसेना का पार्टी सिंबल है। अब मामला उसके आगे सुनिए, अब शिवसेना किसकी है? शिवसेना तो शिव की ही होगी, अब इसे शिव कौन है? अब मामला फंस रहा है। अब देखिए मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया। अभी तक उच्चतम न्यायालय ने यह सब निर्णय दिया था, इसे मामला बड़ा पॉलिटिकल है, और उच्चतम न्यायालय के निर्णय इस मामले में संदेहास्पद है कि भाई आपने नाबेम राबिया केस में तो कुछ और कहा, यहां पर उसी बात को आप नहीं मान रहे हो। भाई जैसे नरसिंह राव केस उन्होंने चेंज किया, अब सवाल है शिवसेना किसकी है? मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया यहाँ पे, क्योंकि केवल दल बदल नहीं हुआ, दल की किडनैपिंग हुई। दल बदल तो अलग होता है, दल को ही किडनैप कर दिया। और जरा सोच के देखिए, ये उद्धव ठाकरे के साथ मैं क्या, किसके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ? मेरी क्या, हमें तो एनालिसिस करना है फैक्ट हुआ क्या। अब सवाल है शिवसेना किसकी है, कैसे तय किया जाए? तो शिवसेना किसकी है, इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सादिक अली केस का हवाला दिया। 1971 में सादिक अली वाद था, और सादिक अली वाद में कहा गया था किसी पार्टी में अगर मालिकाना हक तय करना हो कि पार्टी किसकी है, जैसे जमीन का विवाद होता है वैसे पार्टी का विवाद आया, अगर किसी पार्टी में मालिकाना हक तय करना हो कि पार्टी किसकी है, तो उसके तीन क्राइटेरिया है। और यदि देखिए घटना किसकी थी, कांग्रेस का भी तीन बार सिंबल बदला है। पहले कांग्रेस का चुनाव था दो बैलों की जोड़ी, उसके बाद कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, जब 69 में कांग्रेस बटी तो उसका चुनाव चिन्ह आया गाय और बछड़ा। उसके बाद इंदिरा गांधी केरला किसी मंदिर में गई थी और देखा वहां भगवान का हाथ छपा हुआ था, उनका पंजा। इंदिरा गांधी ऐसी नेता थी जो चुनाव चिन्ह छीनने के बाद भी चुनाव जीत लिया। और एक बात याद रखिए, चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण नहीं होता। अरे किसी की फोटो लेने से कोई अपना हो जाता है? मैं दो चार लोगों की फोटो लेके घूमू, कई बार लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं, किसी का वॉलपेपर लगा रखा है, लगाए रखो जिंदगी भर वॉलपेपर लगाने से कोई थोड़ी हो जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, पॉलिटिक्स में सिंबल लेने से ही कोई अपना पार्टी हो जाती है, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन अब सवाल कहेगा सर पार्टी भी जनता तय करेगी? मामला न्यायपालिका के पास पहुंचा, न्यायपालिका ने कहा देखो शिवसेना किसकी है, इसके तीन आधार न्यायपालिका ने पहले तय कर रखे हैं। ये मामला वही इंदिरा गांधी के समय का था, जब इंदिरा गांधी पार्टी सिंबल हार गई, मैं सिंबल नहीं ले लिया लेकिन चुनाव जीत गई। इसलिए अंतिमतः 2014-20 में जनता ही बताएगी कि सिंबल किसके साथ है, जन समर्थन किसके साथ है। लेकिन सादिक अली केस में क्या कहा गया है? पहला, तीन टेस्ट होंगे। पहला, अगर किसी विधानसभा की बात है तो विधानसभा के विधायक उसके साथ है, विधानसभा के विधायकों का बहुमत है, पहली बात यह तय की जाएगी, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है संविधान का उद्देश्य, यानी संविधान का मतलब भारत का संविधान नहीं, पार्टी का संविधान, हर पार्टी के अपने संविधान होते हैं, उस दल के संविधान के उद्देश्य क्या थे, यानी क्या दल ने संविधान के उद्देश्य के हिसाब से काम किया, और कौन जो टूटा हुआ गुट वो संविधान के उद्देश्य के हिसाब से काम कर रहा है, पुराना गुट है,
और तीसरी बात कार्यकर्ताओं के दल के कार्यकर्ताओं का समर्थन, ये तीन टेस्ट लिया। दल के कार्यकर्ताओं का समर्थन और एक बात, जयललिता की पार्टी डिवाइड हुई थी तो जयललिता ने क्या किया, सारे पार्टी कार्यकर्ताओं का इतना सिग्नेचर लाके उच्चतम न्यायालय के सामने तीन ट्रक सिग्नेचर लाई थी। तीनों ट्रक जब उच्चतम न्यायालय के सामने आए तो न्यायालय कहा मैडम ये सब क्या है, उनका सिग्नेचर करके उनका जाए कि इलेक्शन कमीशन को दिखाओ। इलेक्शन कमीशन सामने ट्रक लेकर गए, इलेक्शन कमीशन ये क्या है उनका सिग्नेचर, इलेक्शन कमीशन कैसे हम गिनेंगे उनका, गिन लो आप कह रहे हो पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन। यही तरीका है देखने का किसके साथ पार्टी कार्यकर्ता है। इन्हीं तीनों क्राइटेरिया के आधार पर निर्वाचन आयोग ने फैसला दिया। निर्वाचन क्योंकि किसी के पास सिंबल होगा वो कौन तय करेगा, निर्वाचन आयोग। किसी के पास कौन सा सिंबल होगा, एक समय की बात है चौधरी देवीलाल बड़े कद्दावर नेता थे, टीएन सेशन इलेक्शन कमिश्नर थे। देवीलाल ने क्या किया, टीएन सेशन से एक चुनाव चिन्ह मांगा कि हमें यही चुनाव चिन्ह चाहिए। टीएन सेशन ने कहा आपको नहीं मिल सकता। आज चुनाव चिन्ह का फायदा क्या है भाई, एक सिंबल जुड़ जाता है, एक पहचान जुड़ जाती है पहला। दूसरा जो अखिल भारतीय दल होते हैं, जो राष्ट्रीय दल होते हैं, उस सिंबल का प्रयोग पूरे भारत में कर पाएंगे। अब आम आदमी पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो झाड़ू का प्रयोग पूरे भारत में होगा। क्षेत्रीय दलों के साथ समस्या क्या है, अगर शिवसेना उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है तीर धनुष नहीं ले सकती, तीर धनुष लेने के लिए उसे इलेक्शन कमीशन से स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। इसे समाजवादी पार्टी का अगर चुनाव चिन्ह साइकिल है तो आंध्रा में भी किसी दल का चुनाव चिन्ह साइकिल है, क्योंकि क्षेत्रीय दल है, राज्य दल है। तो राष्ट्रीय दल का, राष्ट्रीय पार्टी होने का फायदा होता है कि आप एक ही सिंबल को पूरे भारत में यूज कर सकते हैं। क्षेत्रीय दल का ये फायदा होता है कि आप केवल चुनाव चिन्ह कहाँ यूज करेंगे, राज्य के अंतर्गत। लेकिन ये चुनाव चिन्ह देगा कौन, उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय के सिद्धांत का हवाला दिया इलेक्शन कमीशन ने भाई। यही इलेक्शन कमीशन करता है, पार्टी को रजिस्टर्ड करेगा, चुनाव चिन्ह देगा। हाँ, किसी पार्टी को डी रजिस्टर्ड नहीं कर सकता, ये हमारे यहाँ थोड़ा इलेक्शन कमीशन की प्रॉब्लम है जो हम अलग से देखेंगे भी। तो इलेक्शन कमीशन ने किस आधार पे करता है, यहाँ पे है इलेक्शन सिंबल। इलेक्शन सिंबल अलॉटमेंट एंड रिजर्वेशन ऑर्डर, इलेक्शन सिंबल अलॉटमेंट एंड रिजर्वेशन ऑर्डर 1968। तो हमारे यहाँ इलेक्शन कंडक्ट रूल है 1961 का, जैसे हम अभी राष्ट्रपति के चुनाव पर आएंगे या राज्यसभा के चुनाव पर आएंगे, दोनों को कंपेयर कर राष्ट्रपति के साथ कर देंगे। तो हमारे यहाँ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है, अभी हिमाचल में आपने देखा होगा टाई हो गया वोट, तो वहाँ पे यूज हुआ इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961। यहाँ पे क्या 68 में इलेक्शन सिंबल एंड रिजर्वेशन, अलॉटमेंट एंड रिजर्वेशन ऑर्डर 1968, यानी हमारे सब भाई विधि का शासन होता है, सब चीज़ लिखा पड़ा होता है। ऐसे ऐसे कोई बीच विचार कर देगा कल के न्यायपालिका मामला फंस जाएगा। इसलिए उच्च निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमने किस फॉर्मूले को स्वीकार किया, सादिक अली। और सादिक अली फॉर्मूले को स्वीकार करते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा असली शिवसेना सिंधे गुट है, असली शिवसेना सिंधे गुट है। अब असली शिवसेना जब सिंधे गुट है, अब जरा सोच के देखे तो हिप कौन जारी करेगा मामला, फिर भाई जब असली शिवसेना सिंधे गुट है तो हिप भी तो सिंधे गुट जारी करेगा, हिप सिंधे गुट जारी करेगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट यह है, अगर हिप सिंधे गुट जारी करेगा तो अभी बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला आ रहा है, लगभग सिंधे गुट का, सिंधे गुट को तो उद्धव ठाकरे वाले को कुछ समझ ही नहीं रहे। इसका मतलब आज की डेट में अगर दल बदल कानून का सही प्रयोग किया जाए, स्पीकर को अगर भाई, अब देखिए शिवसेना कौन हो गई, सिंधे की सरकार किसकी हो गई, सिंधे की, स्पीकर किसका हो गया, सिंधे का। लेकिन उच्चतम न्यायालय कह क्या रही है, लेकिन व्हिप कौन जारी करेगा, उद्धव ठाकरे ग्रुप। अब पिछली बात को देख लीजिए, अब जब पार्टी सिंधे की हो गई, स्पीकर सिंधे का हो गया, तो स्वाभाविक रूप में व्हिप कौन जारी करेगा, ये उच्चतम, इसीलिए मामला फंसा रखा है। तब तक अभी मामला था ही, तब तक घड़ी और टूट गई अजीत पवार।
अजीत पवार का मामला इसमें फंस गया। अजीत पवार को भी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया भाई पार्टी आपकी। अब मामला उच्चतम न्यायालय में पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि अगर सिंधे ही सही स्पीकर हैं, सिंधे का ही पार्टी सरकार में है, उन्हीं की स्पीकर है, उनका स्पीकर उद्धव ठाकरे के लोगों को डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं कर रहा है? कि उद्धव ठाकरे सिंधे के स्पीकर की कोई बात ही नहीं मान रहे हैं, ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है भाई। स्पीकर की बात कोई विधानसभा में ना माने, अजीब सी बात है कि नहीं? स्पीकर हमारे यहाँ सदन का संचालन करता है, स्पीकर का मतलब बोल दे, स्पीकर कोई बात ना माने सीधे स्पीकर तो दल बदल अधिनियम के अनुसार डिस्क्वालीफाई कर देगा। अगर हमने मान लिया शिवसेना रियल पार्टी है, इसके बावजूद स्पीकर क्या कर रहा है? शिवसेना के उद्धव के एक भी विधायक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? नियम की वजह से या पॉलिटिकल जनमत की वजह से? पॉलिटिकल जनमत की वजह से, क्योंकि अभी सिंधे ग्रुप थोड़ा डरा हुआ है, क्योंकि पहला तो पार्टी डिवाइड हो गई, पहला तो थोड़ा आम जनता में थोड़ा रिएक्शन हो जाता है ना, तो कई बार उद्धव ठाकरे बड़े भावनात्मक रूप में जनता के सामने चले जाते हैं कि भाइयों बहनों देखो मेरा तीर धनुष चला गया। बाला साहब ठाकरे कौन थे? शिवसेना महाराष्ट्र, राष्ट्र महाराष्ट्र है, राष्ट्र नहीं है ये, महाराष्ट्र है भाई, महाराष्ट्र का तो हमेशा जलवा रहा है। अब सवाल ये, इसीलिए ये लोग क्या पॉलिटिकल डर के मारा कि जनता इससे ज्यादा नाराज ना हो जाए कि भैया ये देखो पार्टी ले गया, तीर धनुष ले गया, विधायकों को ऐसे मार रहा है स्पीकर। आराम से पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है, स्पीकर की बात विधायक सुन ही नहीं रहे। स्पीकर कुछ कहता है, उद्धव गुट कुछ कहता है, तो स्पीकर से कहा गया अरे आप दल बदल कार्यवाही कब करेंगे, आपका तो आदेश कोई मान ही नहीं रहा है। अरे उनका चुप रहो यार, अभी मामला उच्चतम, तो मामला उच्चतम न्यायालय में फंसा हुआ है और है सितंबर अक्टूबर में चुनाव। सितंबर अक्टूबर में चुनाव जब तक नहीं होगा तब तक ये उठा पटक रहेगी, और उच्चतम न्यायालय तब तक विचार कर रहा है। उच्चतम न्यायालय में कई बार निर्णय देने की तारीख उस समय वो ध्यान में रखता है, क्योंकि ऐसे समय निर्णय देगा जहां आपको मीठा मीठा दर्द होगा। फिर वह थोड़ा पहले निर्णय देते लोग भूल जाएंगे, लेकिन ना अभी ये भी और उसमें, और इसलिए उच्चतम न्यायालय की खास बात क्या थी, स्पीकर को यहां उद्धव गुट के स्पीकर को कहा गया, सिंधे गुट के स्पीकर को कहा गया कि आप डिस्क्वालिफिकेशन एक निश्चित समय सीमा में तय करिए। ये टाल रहे थे, ये भी अपने आप ऐतिहासिक, कल मैंने आपको इस बात को बता भी दिया था कि निश्चित समय सीमा में आप अपना निर्णय दीजिए, क्योंकि स्पीकर टाल रहा था। उसके बाद क्या किया, जब स्पीकर हैं वकील भी हैं, स्पीकर ने सारे संविधान का हवाला देते हुए कहा कि नहीं जितने भी हमारे ये सब विधायक हैं कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हमने पार्टी का मर्जर कर दिया, पार्टी नहीं है, दो तिहाई विधायक आ गए हैं। तो जब दो तिहाई विधायक आ गए हैं तो दल बदल कहाँ हुआ? स्पीकर कहना है कि हमारे पास दो तिहाई विधायक है, इनके पास दो तिहाई विधायक हैं, दल बदल हुआ नहीं। लेकिन हकीकत की बात ये, दो तिहाई विधायक अलग हुए, दो बैच में अलग हुए। अब इसका कॉम्प्लेक्सिटी है, इसलिए महाराष्ट्र का मामला बड़ा पेचीदा है। इससे एक बात चलती है, कोई भी कानून बना दीजिए, कानून से मामला हल नहीं होता। इसे कल भी मैंने बताया था, दल बदल अधिनियम दल बदल को रोकने में सहायक नहीं हो पाया, दल बदल को रोकने में सहायक नहीं हो पाया। बाकी काम में क्या कर दिया इसने, विधानसभा में चर्चा, संसद में चर्चा को प्रतिबंधित किया, ये समस्या अलग किस्म कर दी। तो कल मैंने बता दिया था, इसलिए अगर आप पूछेंगे क्या दल बदल और संसदीय शासन के बीच एक सामंजस्य किया जा सकता है, देखिए सामंजस्य तो किया जा सकता है, क्योंकि दल बदल में अनेक रिफॉर्म की बात की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दल बदल के लिए अलग अलग रिफॉर्म करिए, क्योंकि आप कह रहे हो दो तिहाई सदस्य हट जाएंगे तो दल बदल होगा ही नहीं, तो महाराष्ट्र में दो तिहाई हट गए, स्वाभाविक रूप NCP में दो तिहाई हट गए। तो लोगों कह रहे भाई छोटे राज्यों के लिए अलग क्राइटेरिया बनाइए, दूसरी बात जो दल बदल कर दे उसी कार्यकाल में नहीं उसको आगे मंत्री बनाने से रोक दीजिए, और संसदीय शासन बनाए रखने का एक तरीका प्रयोग किया जा सकता है, दल बदल का प्रयोग वहाँ हो जहाँ सरकार गिरने के चांस हो। भाई दल बदल का प्रयोग कब होना चाहिए, जहाँ विश्वास प्रस्ताव हो, अनुदान की मांग पर चर्चा हो, किसी सामान्य विषय पर व्हिप जारी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन व्हिप जारी नहीं हो तो क्या होगा, राज्यसभा के चुनाव में देख लीजिए, व्हिप जारी नहीं हो तो क्या होगा, राज्यसभा चुनाव जैसा परिणाम होगा। इसलिए मामला महाराष्ट्र का कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए हमारे यहाँ जितने विवाद होते हैं उनकी जड़ संविधान विधि है या पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है, यही सारा मामला दल बदल का है।